नमस्कार बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सीएलसी से। हमारा ये जो प्रोग्राम है बच्चों, वो क्रैश कोर्स या रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बचे हुए समय में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन कहें तो, जैसा आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, उनको एक छोटे से कंटेंट के साथ, बोले तो इस तरह से कि जिसमें अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल जिससे हों, उस तरह का कंटेंट देते हुए अपन उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक हम टॉपिक बताएंगे, उसके साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड क्या अभी करंट एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो बताएं, ये आपको करना है। दूसरा बच्चों, आपने जो गुरुनीति के वीडियो पढ़े हैं वो भी आप एक बार जरूर देखें, जो रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ाया उसी की गुरुनीति देख लीजिए। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ये मानिए बच्चों, आपका ऑन एंड अप्रोक्स जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है, उससे बाहर कहीं जाने की कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसे नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये करिए और अपन एक अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। ये बचा हुआ समय जो है इसको बिल्कुल एकदम जोश के साथ इस्तेमाल करते हैं, टीम सीएलसी के साथ एंजॉय करते हैं, पूरा का पूरा कंटेंट एक बार फिर रिवाइज करते हैं, अगर कोई कमी छूटी है तो वो इम्प्रूव करते हैं, या अपन को लगता है कि सब ये पीछे का दौर जो था वो उसमें हमने कुछ कमियां रख दी, वो कमियां इम्प्रूव करके एक अच्छा सा रिजल्ट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आइए। तो बेटा क्या है, पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपन कहें तो ये जो यूनिट रहेगी ये तो कवर करेगी बच्चों नेमिंग को, आइसोमेरिज्म को और जीओसी को, तीन पार्ट इसमें होंगे। और तीन पार्ट में से जो आज का पोर्शन है उसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन की बातें, सिंपल सा एक टॉपिक है कार्बन हाइड्रोजन उस पर बात करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे, रेडिकल को जानेंगे, कॉमन और डराइव नेम को जानेंगे, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले उन महान लोगों के ये जो पिक्चर आपके सामने है जिन्होंने इस ऑर्गेनिक की शुरुआत करी, शुरुआती दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो समय जब ये शब्द भी कोई नहीं जानता था, ये हैं बर्जिलियस साहब, जिनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ये लिखा पड़ा, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं बर्जिलियस, और सबसे पहले कार्बनिक शब्द इन्होंने ही इस्तेमाल किया। हालांकि अगर आप मॉडर्न अभी के पैटर्न में अगर गूगल पे जाके सर्च करें या आप ढूंढें तो आपको कई जगह ऐसा भी मिलेगा जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं उनमें वोहलर साहब का नाम भी आता है। ये बच्चों उनके जूनियर हैं, कहें तो उनके स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से एक एथिक्स की वजह से उनका नाम चलता है। वैसे मॉडर्न पैटर्न में अगर इनका नाम लेते हैं तो गलत नहीं लेते, लेकिन आपके जो बर्जिलियस हैं उन्होंने क्या क्या कह के इस ऑर्गेनिक की शुरुआत की बच्चों, उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी, थ्योरी का नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता था, इस जैव शक्ति सिद्धांत का कहना था कि कोई भी कार्बनिक अणु जो है वो प्रयोगशाला में नहीं बनता, कहां बनता है फिर, सजीव में, किसी पादप में, किसी जंतु में बनेगा, मतलब हमारे हमारी बॉडी में बनता है, मतलब उनका ध्यान कहां था, हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक अम्ल है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उन पे उनका ध्यान था। तो उसके हिसाब से वो मान के चल रहे थे कि सब ऑर्गेनिक अणु बस भगवान बना रहा है, मतलब उनका कहना क्या था, इसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होता, क्योंकि जैव शक्ति केवल सजीवों में पाई जाती है, सजीवों में बनेगा, ऐसा उनका मानना था। ये थे हमारे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बर्जिलियस साहब। लेकिन उन्हीं के जो शिष्य थे उनको उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो एक सवाल बनता है, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किन्होंने किया, तो नाम लेना है बच्चों वोहलर का। तो वोहलर साहब ने खंडन कैसे किया बेटा, वोहलर साहब ने, अब खंडन ऐसे तो देखो बातों से तो होना नहीं है, जो उन्होंने कहा उसके अपोज जाके कुछ करके दिखाओ तो दुनिया मानती है। तो वोहलर साहब ने बच्चों क्या किया, एक अणु लिया जो अमोनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, और एक अणु लिया जो पोटेशियम साइनेट के नाम से जाना जाता है। दो अणुओं की क्रिया कराई, दोनों के दोनों अणु जो थे वो अकार्बनिक थे, पहले तो ये समझो, क्योंकि ये भी सवाल बनेगा, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्गेनिक अणु बनाया वो किस तरह से, किससे बनाया, बर्जिलियस साहब के सिद्धांत का खंडन आखिर उन्होंने कैसे किया। तो उन्होंने बच्चों अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट जो लिया उसमें आपको, इसमें तो इसको अकार्बनिक कहने में कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि कार्बन है ना, लेकिन इसको आपको कार्बनिक कहने का मन करेगा, पर बच्चों याद रखें अकेले कार्बन से कार्बनिक अणु नहीं बनता, कार्बन तो हीरे ग्रेफाइट फुलरीन में भी है, साइनाइड साइनेट में भी है, पर इनको अपन अकार्बनिक में काउंट करते हैं। तो दो अकार्बनिक अणु आयनिक अणु, आयन अलग हुए,
इसका अमोनियम आयन इस साइनेट आयन के साथ सेट हो गया, ये के जो है वो सल्फेट के साथ सेट हो गया, बोले तो आयन बदल गए, तो यहां पे बन गया बच्चों अमोनियम और साइनेट मिलके अमोनियम साइनेट। इसी रूप में वो यूरिया नहीं है, अब उसने अपने आप को रीसेटल किया, अपने आप को रीमैनेज किया, मतलब ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, जो भी है उसको नई बॉन्डिंग देनी है और बन गया बच्चों यूरिया। और उसके लिए तीन बातें प्रचलित हैं अब यहां से। पहली बात, कोई पूछे प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन बना, तो कहना यूरिया। कोई पूछे प्रयोगशाला में सबसे पहला बना अणु जो अकार्बनिक अणुओं से बना था, तो भी आपको नाम लेना है यूरिया। और कोई आपसे पूछे पहला कार्बनिक जो प्रयोगशाला में बना और उसके तत्वों से उसका निर्माण हुआ, मतलब जिसमें अकार्बनिक का नाम ना आए, तो बच्चों फिर नाम लेना है एसिटिक अम्ल, और बनाने वाले का नाम लेना है कोल्बे। ठीक है, तो ये थे वो तीन महान लोग जो आपने अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में देखे। फिर से देख लो, बर्जिलियस साहब वो हो जिनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, हालांकि ये एथिक्स था सही मायने में जो नाम लिया जाता है वोहलर साहब का, क्योंकि जो रियल प्रैक्टिकल शुरुआत करी बच्चों वो यहां से हुई थी। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनका वो पुराने जमाने का सिद्धांत जो उस जमाने के हिसाब से ठीक है, सीधे साधे लोग, सिंपल सी बात मान ली गई, लेकिन आगे चल के बच्चों उसका खंडन हुआ। आज की, आज के मायने में बच्चों उसकी कोई जगह नहीं है, आज की ऑर्गेनिक में मैक्सिमम अणु संश्लेषित है, तो वहां पे बच्चों वोहलर साहब ने उस प्रयोगशाला की शुरुआत की होगी यूरिया बना। फिर बच्चों जब काम शुरू हो जाता है ना, फिर उसकी नकल तो दुनिया करती ही है, वोहलर साहब ने बस चालू करके दे दिया, फिर तो सब कोल्बे भी आ गए कि मैं भी ऐसे डीकमल बना देता हूं, लगे हाथ। और भी बहुत सारे लोग आए, पर सालों को हमें नहीं रटना है, ऐसे अपन को हिस्ट्री तो पढ़ने ना जा रहे। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन था, एक शुरुआती बात। आजकल के ट्रेंड में बच्चों वैसे ये चीजें कम आ रही हैं अभी करंट में, लेकिन ये जितनी जानकारी दी है ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आई हुई। अगर आप पुराने 35 से 40 साल के पेपर लेके बैठ जाएं तो ये सब सवाल आपको मिल जाएंगे कि पहला अणु कौन सा था, पहला अणु अकार्बनिक से बना कौन सा था, जैसे ये यूरिया के बारे में दोनों अकार्बनिक अणु है, ये ध्यान रखना बच्चों। और फिर उसके बाद पहला जो ओवरऑल पहला नहीं है, वैसे पहला किस मायने में है, अकार्बनिक से नहीं बना, तो कोल्बे साहब को बनाया गया। ओके बच्चों, तो ये थी एक हिस्ट्री की बात, एक इंट्रोडक्शन की बात। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करेंगे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकारों के। बहुत ही सरल सा एक छोटा टॉपिक है बच्चों, लगभग लोग आप इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने, हम ये लेके नहीं चलेंगे बच्चों, टॉपिक सरल है तो थोड़ा जल्दी निकाल देंगे, थोड़ी समझने वाली बात है तो वहां थोड़ा स्टे कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, बस इतना ही। तो देखो बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन के बारे में कहूं तो होता क्या है, आपके सामने कोई कार्बनिक अणु लिखा जाए, जैसे मैंने ये एक कार्बनिक अणु लिख दिया, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे कार्बन पड़े, और बहुत सारे कार्बन के साथ अगर उनकी वैलेंसी पूरी करें तो उनके ऊपर बहुत सारे हाइड्रोजन भी पड़े। तो इनके बारे में हमसे कोई पूछ ले कि कार्बन कौन सा, हाइड्रोजन कौन सा, तो बेटा जी यहाँ पे हम कहते हैं जो कार्बन है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, 4 प्रकार के कार्बन हमारे पास होते हैं, जिनको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक भी कह देते हैं, 1 2 3 4 डिग्री भी कह देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी भी कह देते हैं। चलो ठीक है, कहते होंगे तो कैसे सर, हमें कैसे पता चले, बिल्कुल आपको ही सिखाना हमारा पर्पज है बेटा। देखो क्या करो, आप अपने अणु में एक कार्बन को लक्ष्य बना लो, अणु में कार्बन बहुत पड़े, आपको किसे जानना है पहले तो ये तय करो कि आपको इसे जानना है क्या। तो बच्चों जो लक्ष्य बनाया आपने, आप उसके परिवेश में घूमो, उसके परिवेश में 4 बॉन्ड होंगे, कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती है, एक साइंटिस्ट हुए थे कैकुले, उन्होंने ये बताया था जो आज भी चली आ रही वैलेंसी, 4 पढ़ते हैं अपन, तो बोले तो साहब वो 4 बॉन्ड आपके सामने, आपको देखना है चारों बंद पे कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है तो 1 डिग्री 2 आ रहा है तो 2 डिग्री 3 आ रहा है तो 3 डिग्री 4 आ रहा है तो 4 डिग्री। तो बेटा जी यहाँ पे अगर मैंने इस ये राउंड किए हुए कार्बन पे देखा तो इसके परिवेश में एक ही कार्बन, तो और क्या है, और बच्चों हाइड्रोजन, कार्बन नहीं, कुल वो बॉन्ड 4 ही बनाएगा पर लेकिन उसके ऊपर कार्बन 1 है, तो अपने इस कार्बन को क्या नाम दो, 1 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों तरफ 2 कार्बन है तो इसे नाम क्या दो बेटा, 2 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है इसके 3 तरफ कार्बन है इसलिए इसको नाम क्या दो बेटा, 3 डिग्री।
और ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं बच्चों, इसके यहां 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 चारों तरफ कार्बन है, तो क्या नाम दो? चार्ली। बात पकड़ गए होगे? कार्बन देखना है, चारों वैलेंसी देखनी है, चारों जगह पे कितने कार्बन है, एक तो एक डिग्री, दो तो दो डिग्री, तीन तो तीन डिग्री, चार तो चार डिग्री। बस इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। हाँ, अब एक चीज और कि सर मान लो एक कार्बन हम देख रहे थे और उसकी सारी वैलेंसी पे कोई भी कार्बन ना आया, तो बिल्कुल ऐसा होता है, ये रहा आपके सामने मेथेन होता ही, तो बच्चों उसको नाम दे देना सुपर एक डिग्री, सुपर एक डिग्री का नाम देते हैं। ओके चलो बच्चों, ये तो हुई बात किसकी? कार्बन जो आपके सामने। अब बच्चों बात आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बच्चों वो एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री होते हैं, चार डिग्री प्रकार का हाइड्रोजन दुनिया में नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब? देखो बेटा, अगर आप कार्बन का प्रकार देखना सीख गए तो हाइड्रोजन उसी से ही निकलेगा। जैसे ये वाला कार्बन आप कह रहे हो एक डिग्री, तो इसके ऊपर जुड़े ये तीनों हाइड्रोजन किस नाम से जाने जाएंगे? एक डिग्री हाइड्रोजन। जैसे आप कह रहे हो ये वाला कार्बन दो डिग्री, तो इसके ऊपर जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? दो डिग्री हाइड्रोजन। आप कह रहे हो ये कार्बन तीन डिग्री है, तो इस पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? तीन डिग्री हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन चार डिग्री है, तो इस पे जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? चार डिग्री। गलत बात, ये जो किया वो गलत किया ना बेटा, ऐसा तो करना ही ना था। किसने कहा कि कार्बन के पांच बॉन्ड बनाओ? होते ही चार है, पांच कैसे बन जाएंगे? तो पांच है ही नहीं बेटा, पांच नहीं बनाने। पांच बनाने की इजाजत होती तो मैं यहां पे एक वैरायटी और लिख देता, पांच डिग्री कार्बन, पर इसकी इजाजत नहीं है, चार डिग्री होता है, इसलिए पहले ही मना कर दिया, चार डिग्री हाइड्रोजन दुनिया में नहीं है। हाइड्रोजन तीन ही तरह के हैं, कार्बन चार तरह के। समझ आ गया होगा? जिसे बच्चों कार्बन आ गया वो हाइड्रोजन में नहीं फंसेगा। हाँ एक चीज ध्यान रखना, कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो वो एक डिग्री, ठीक है, एक बात। और जैसे ये है तो ये एक डिग्री है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड बना ले तो दो डिग्री नहीं होएगा, तीन बॉन्ड बना ले तो तीन डिग्री नहीं होगा बच्चों। वो सिंगल बॉन्ड में भी एक डिग्री है, डबल में भी एक डिग्री है, ट्रिपल में भी एक डिग्री है। बंधों का डिग्री पे, प्रकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंगल डबल ट्रिपल सब एक ही तरह से गिने जाते हैं। ओके, और एक चीज आप देख रहे हो बच्चों, इस कार्बन को और यहां पे लगे हुए हैं 100 कार्बन, तो उस 100 का उस पे कोई इंप्रेशन नहीं है, आपका कार्बन ये है उस पे सीधा सीधा फर्क ये डालेगा, ये एक है तो एक डिग्री, दो हो जाए तो दो डिग्री, तीन हो जाए तो तीन डिग्री, चार हो जाए तो चार डिग्री, पर इनके 100 होने से उसकी कोई डिग्री नहीं बतानी है, सीधा प्रत्यक्ष देखना है। बात समझ गए होगे? कार्बन पकड़ो, चारों तरफ घूम के देखो कितने कार्बन, वैसा प्रकार कोई ना मिले कोई बात नहीं, सुपर एक डिग्री, और जिस प्रकार का कार्बन वैसा ही उसके पास क्या होता है? हाइड्रोजन। बहुत सरल है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यही बात, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हाइड्रोजन कहते हैं, पढ़ लिया हमने। चतुर्थक कार्बन पर हाइड्रोजन संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं, खतरे की घंटी है वो, तो चतुर्थक हाइड्रोजन होता ही नहीं। चलो, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के तीन भाग बताए गए, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री। ये मुद्दे की बात बच्चों, हमने ये टॉपिक पढ़ा तो क्यों पढ़ा, क्या काम आएगा, बिल्कुल सीखते हैं बच्चों। देखो क्या है, जो ऑर्गेनिक अणु है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक स्पीसी, दोनों चीजें कहूंगा, यहां कार्बनिक यौगिक लिखा है, साथ में स्पीसी भी ऐड कर लो, उनको मैं बच्चों आगे तीन क्लास में बांट सकता हूं, एक डिग्री ऑर्गेनिक अणु, दो डिग्री ऑर्गेनिक अणु, तीन डिग्री ऑर्गेनिक अणु, या एक डिग्री स्पीसी, दो डिग्री स्पीसी, तीन डिग्री स्पीसी। मतलब मैं आपके सामने बच्चों ये लिख दूं, ये लिख दूं, ये लिख दूं, तो बच्चों इनके लिए सम्मिलित जो मैंने लिखा वो एक अल्कोहल परिवार है, क्योंकि जिस ऑर्गेनिक अणु में OH आ जाता है वो अल्कोहल होता है, तो ये सारे अल्कोहल हैं, पर पहले का नाम प्राथमिक अल्कोहल है,
दूजे का नाम द्वितीयक अल्कोहल है, तीजे का नाम तृतीयक अल्कोहल है, कैसे पता लग रहा है? बच्चों कार्बन देख के हाइड्रोजन पता लगाया था ना, बस कार्बन देख के अणु का पता लगा लो, आपके अणु का जो क्रियात्मक समूह है जिसकी वजह से वो अल्कोहल कहला रहा है, उसका जुड़ाव 1 डिग्री कार्बन पे है तो अगले का नाम 1 डिग्री अल्कोहल, अगर वो जुड़ाव 2 डिग्री पे है तो 2 डिग्री अल्कोहल, वो जुड़ाव 3 डिग्री पे है तो 3 डिग्री अल्कोहल। याद रहे ये वर्गीकरण सिर्फ अल्कोहलों के लिए कारगर नहीं है, औरों के लिए भी है। मैं यहां पे बच्चों सीएल जोड़ दूं, सीएल जोड़ दूं तो यही अणु हो जाएंगे क्लोराइड, क्लोराइड होते ही वही नाम फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लोराइड, उनके लिए भी कारगर है। या मैं कहूं बच्चों ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये हमेशा कार्बन को परेशान करते हैं, मान लो ये कार्बन को छोड़ के चले गए, अभिक्रियाओं में जाएंगे, जब अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो ऐसा भी करेंगे, तो उस वक्त बच्चों जब इसे छोड़ के जाएंगे तो यहां पे क्या छोड़ जाएंगे? धनावेश, क्योंकि बॉन्ड तो वो लेके उड़ जाएंगे, विषमांशन कर जाएंगे, चाहे वो SN1 हो SN2 हो, इस तरह की स्थितियां आएंगी। SN1 अभिक्रिया में धनायन बनते हैं, पता अपने को E1 में भी बनते हैं, तो ये बन गई, तो ये भी बच्चों कार्बनिक है। 1 डिग्री कार्बधनायन, 2 डिग्री कार्बधनायन, 3 डिग्री कार्बधनायन, तो ये बच्चों एक तीर से कई निशाने हो गए। आपने एक सरल सी चीज सीखी और वो सरल सी चीज आपको देखो इतनी काम आती है, पर ऑर्गेनिक कभी एक ट्रैक पे नहीं चलती। आप सोच लें कि साहब एक लाइन में अपन ऑर्गेनिक को निपटा दें, ऐसा नहीं, इतनी भी सरल नहीं है, ऐसे जलेबी भी जलेबी की तरह अपन कहें उसे। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये तो अपन ने देख लिया, अब इसमें ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। देखो वो क्या, अपने पास ऑर्गेनिक अणुओं में एक नाम आएगा MI, कब आएगा? जब आप पूरी NCERT कंप्लीट कर लेंगे, ऑर्गेनिक खत्म होने के दौर पे आएगी, हम भी थोड़े से थक चुके होंगे पढ़ पढ़ा के, वहां जाते ही सब हमारे साथ एक बड़ा अचंबा, बड़ा एक धोखा होता है, पता है क्या? वहां पे अमाइनों में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं, जैसे हैलाइड और एल्कोहल। पर बच्चों यहां धोखा पता है किस बात का है? 1 डिग्री अमाइन का मतलब है NH2, 2 डिग्री अमाइन का मतलब है बच्चों NH, और 3 डिग्री अमाइन का मतलब है बच्चों N। यहां इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनको कौन से प्रकार के कार्बन पे जोड़ा, कार्बन को देखना ही ना है भाई, यहां तो देखना किसको है, स्वयं ग्रुप को देखना है। कैसे? देखो बेटा मैं आपके सामने इस तरह का अणु लिखूंगा तो मन करेगा, पूरा पूरा मन करेगा कि 3 डिग्री कार्बनिक अणु बता दो। गलत बच्चों, 3 डिग्री नहीं है, ये प्राथमिक अमाइन है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो तो भी ये प्राथमिक है, अभी भी ये, अभी इस हाल में भी ये प्राथमिक है, और ये हटा दो तो उस केस में भी ये अपन कहें तो क्या रहेगा, ये यूं लिखा हुआ है तो भी प्राथमिक। मतलब इस कार्बन को आप 1 डिग्री ले रहे हो, 2 ले रहे हो या 3 ले रहे हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख रहे हो NH2 को, उसके हिसाब से तय हो रहा है। और अगर 2 डिग्री चाहिए तो कार्बन चेन लेके बीच में आप लगाइए क्रियात्मक समूह, तो ये बन गया 2 डिग्री। हाँ ये आपके पास छूट है कि दोनों तरफ की कार्बन चेन बराबर लेना है ना लेना, ये आपका डिसीजन है, ऐसा मान ले लो तो भी 2 डिग्री, ऐसा मान ले लो तो भी 2 डिग्री। 3 डिग्री के लिए ग्रुप को बीच में रख के 3 कार्बन चेन लगाओ, चाहे सारी समान लगाओ चाहे सारी असमान लगा दो, वो आपकी इच्छा की बात है, कुछ भी लगाइए आप, लेकिन वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाएगा। समझ आती है बात बच्चों? तो ये था एमिनो के अंदर बात, हमने एक सरल सा टॉपिक पढ़ा पर हमने उसके सरल को बिल्कुल एंड तक जाना कि आखिर लास्ट तक जाते जाते उसका क्या होगा, ठीक है, लेकिन अभी और भी बात बाकी है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अगर अपन कहें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हैलाइड के वर्गीकरण के बाद अगर अपन कहें तो उस क्लासिफिकेशन के बाद जो अपने अभी पढ़ा ये वाला एमाइनो का जो एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा, इसके बाद कहें तो एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है, वो है बच्चों अल्फा बीटा गामा डेल वाला तरीका। इसमें होता क्या है बेटा, इस तरीके में आपके पास कोई कार्बनिक अणु है, जैसे मैं कहूं ये कार्बनिक अणु है अल्कोहल, ऐसा, तो आप ये देखो बच्चों ये जो क्रियात्मक समूह यहां जुड़ा हुआ है ना, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन का नाम होता है बच्चों अल्फा, उससे आगे जो दूसरा कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा,
उससे आगे वाला जो होता है बच्चों गामा, और आगे मान लो चेन और होती फोर कार्बन की, जैसे मैं कहूं यहां पे मैंने ये कोई एल्डिहाइड अणु ले लिया, वो स्थिति उसके लिए भी सेम है बच्चों, ये अल्फा ये बीटा ये गामा ये वाला डेल्टा। तो ये होता है अणुओं में अल्फा बीटा गामा डेल का प्रयोग। क्लासिफिकेशन की अलग अलग परंपरा है, कार्बन के प्रकार के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करें वो चलता है, वो हमने सीखा। एक क्लासिफिकेशन इस तरह का भी चलता है, इसका भी अपना एक उपयोग है। जैसे कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उपयोग के तौर पे अपन देखें तो जैसे मेरे पास बच्चों एक अल्कोहल ये वाला हो, सेकेंड अल्कोहल मैं कहूँ ये वाला हो, थर्ड अल्कोहल में कहूं मेरे पास ये वाला। अब यहां पे मुझे बताना हो अल्कोहल के लिए अल्फा एच की संख्या, तो यहां पे मैं बोलूंगा अल्फा एच की संख्या है बच्चों कितनी, तीन। यहां पे वो आंसर होगा अल्फा एच है दो, और यहां आंसर होगा अल्फा एच है कितना, एक। ये क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा है, अगले का नाम अल्फा है तो उस पे पाया जाने वाला एच भी अल्फा है, तो कितने हो गए वो, तीन। अब बेटा जी ये अल्फा है, अगला अगर बीटा है तो हमसे तो अल्फा पूछा गया है ना, तो अल्फा बता दो कितने हैं उसके ऊपर, कार्बन एक है और एच कितने हैं, दो। बिल्कुल ऐसे यहां पे ये रहा अल्फा, उसके अंदर जो एच है एक, वो बता दीजिए। तो ये भी एक तरीका चलता है, ओके। इस तरह से भी अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, हालांकि बात सिर्फ वर्गीकरण पैटर्न पे करें तो एक चीज और आ जाती है बच्चों इसके अंदर, वो कौन से वाली, जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो ऐसा एक ईथर, एक हमारे पास लिखा हो ऐसा ईथर, दो ईथर लिखे हुए। अब ईथरों के इस प्रकार में, ये जो मैंने ईथर यहां पर ड्रॉ किया, इस प्रकार के अंदर अपन कहें तो इसमें कार्बन के प्रकार कोई मुद्दा नहीं रहेगा, यहां पे मेन विषय या ये होगा कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है उससे दोनों तरफ कार्बन चेन एक जैसी जुड़ी है या भिन्न भिन्न। एक जैसी जुड़ी है तो इसे कहते हैं सममित ईथर, और अगर भिन्न भिन्न जुड़ी है तो इसे कहते हैं असममित ईथर। ऐसी परंपरा द्विसंयोजी क्रियात्मक समूहों के लिए चलती, ऐसा जरूरी नहीं माने कि बस यहां पे ये ईथर होगा तो ईथर के लिए ही बताया जा रहा है, कोई आवश्यक नहीं है बच्चों। आप ईथर को हटा के यहां पे कीटोन लगा ले, यहां पे कीटोन लगा ले, तब भी वही बात, तब भी उसे क्या कहेंगे, सममित कीटोन। इसको क्या कहेंगे, असममित कीटोन। समान चेन है तो सममित है, असमान है तो उस केस में असममित कहेंगे। अंग्रेजी में कह देते हैं इसके लिए सिमेट्रिक, इसके लिए कह देते हैं बच्चों एसमेट्रिक। ठीक, सममित असममित, या शॉर्ट में लिखना हो तो एस वाई एम से भी चल जाएगा, इसमें अपन ASYM भी लिख देंगे, ऐसा भी चले। तो ये बच्चों अलग अलग परंपराएं, हमारे सामने ऑर्गेनिक कणों हो तो उनको वर्गीकृत करने में हम कार्बन के प्रकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हिसाब से वर्गीकरण हो जाएगा। दूसरा तरीका अपन कहें उस प्रकार से एमाइनो का वर्गीकरण करने जाएंगे तो हमारे साथ एक तरह का अपन कहें तो कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, हम एमाइनो को देख करके कभी ये डिफाइन नहीं कर पाते। 3 डिग्री कार्बन पे NH2 को देख के 3 डिग्री बताने का मन करता है, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है बच्चों, और फिर एक अल्फा बीटा वाला परंपरा देखी, एक ये सममित है सममित वाली परंपरा देखी, क्योंकि ऑर्गेनिक काफी बड़ी है बच्चों। अपन सारों को एक ही ट्रैक पे चलाना चाहें तो ऐसा होना नहीं है बच्चों, सबके लिए परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी परंपराएं हैं वो मैंने आपके सामने रखी कि कैसे कैसे वर्गीकृत हो सकता है। ओके बेटा, चलो यहां हमने अपना एक टॉपिक, एक तो हमने पढ़ लिया बच्चों इंट्रोडक्शन में इतिहास, फिर हमने पढ़ लिया बच्चों कार्बन एंड हाइड्रोजन का टाइप और प्लस उसका यूज, क्या आखिर यूज क्या है, ये अपना हो गया। अब आ रहे हैं बच्चों एक टॉपिक सीखेंगे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। तो देखो बच्चों क्या है फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, देखो परिभाषा में लिखा है फंक्शनल ग्रुप या तो परमाणु होता है या फिर परमाणुओं का समूह होता है जो किसी यौगिक के जो रासायनिक गुण हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। यहां पे ये बातें आपके सामने परिभाषा लिखी पड़ी, परिभाषा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मुद्दा ये जानना है ओवरऑल इसका मतलब क्या है, परमाणु परमाणु का समूह रासायनिक गुण निर्धारित करे। तो
तो अपन जानते हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं। ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में मुख्यतः दो चीजें आती हैं बच्चों, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। बड़ा हिस्सा रासायनिक गुण होता है, जहां हम अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जहां जाके हम परेशान से हो जाते हैं, कितनी अभिक्रियाएं, कितनी अभिक्रियाएं पढ़े, क्या क्या पढ़े हम। बहुत आसान है, बेस बना के चलना, मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। हाँ, बेसिक लेके चलना, बिना नींव के बिल्डिंग नहीं खड़ी होनी है बेटा। तो देखो बच्चों, क्रियात्मक स्व, वैसे तो वो अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रहा है, क्रिया करने वाला समूह। जहां पे क्रिया होती है वो क्रियात्मक समूह होता है। लेकिन होता कैसे है, परमाणु या परमाणुओं का समूह? देखो आपके सामने लिस्ट पड़ी, दो परमाणुओं का, कई सारे परमाणुओं का, कई सारे परमाणुओं का समूह। अगली लिस्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास इस तरह के ग्रुप पड़े हैं, और आप इसको भी जानते होंगे, हैलाइड ग्रुप होता है, इसको भी जानते होंगे, ईथर ग्रुप होता है। तो परमाणु भी हो सकता है, परमाणु दो तीन चार पांच भी हो सकते हैं, इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, रट लिया। अब जाने की क्यों कहते हैं, देखो बेटा जी होता क्या है, एक कहानी सुनाता हूं। ऑर्गेनिक में सबसे सरल अणु कहा गया एल्किनो को, कहा नहीं गया है ही, सबके फादर अणु, जो पूरी ऑर्गेनिक यहीं से तैयार हुई। ये अणु कहलाते हैं बच्चों पैराफिन, पैरामेफिन, लेस रिएक्टिव, क्रिया करने में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बच्चों जिस दिन ये बने थे ना, बड़े ही शानदार बने थे। मतलब क्या होता है, कुछ लोग अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में ही बड़ी समझदारी से काम लेते हैं, ऐसा ही कुछ रहा होगा। सी का बॉन्ड, सी का एच का बॉन्ड, बड़ा ही शानदार बॉन्ड होता है, बड़ा ही पक्का बॉन्ड होता है, टूटने का नाम नहीं लेता, क्रिया नहीं करता जनरली, पर हर एक के बुरे दिन आ जाते। तो बच्चों यहां पे इत्तेफाकन किसी कारणवश उसने अपना एक एच छोड़ा, एच छोड़ने पे उसकी जगह खाली हो गई। खाली जगह तो देखो किसी ना किसी ने भरी देनी है, तो ये लो बच्चों भर दी जाती है, Cl से भर दी जाती है, OH से भर दी जाती है, और यहां पे ये कोई कार्बोक्सी से भर दी जाती है। और बहुत है, लगभग अभी आपको लिस्ट दिखाइए, देखो 17 क्रियात्मक समूह और भी हैं दो तीन, तो इतने क्रियात्मक समूह हैं, कुछ भी लगा लो, ऐसे से ऑर्गेनिक के अणु बन गए बच्चों। एक तो वो है जो अभिक्रियाओं में विश्वास ही नहीं करता, मुझे नहीं करनी क्रिया, मुझे नहीं आती अभिक्रिया, जबकि अब ये है, ये तो सब इनके तो अभिक्रियाओं की लाइन लगी पड़ी है, हेलो डेरिवेटिव पूरा चैप्टर है 12वीं का, बहुत अभिक्रियाएं पड़ी, अल्कोहल की बहुत पड़ी, अमल की बहुत सारी पड़ी। तो आखिर ऐसा क्या है, ये पूरी चैन वही वाली है जो उसमें भी थी और यहां भी है, लेकिन वहां कहती है कि क्रिया नहीं करनी और यहां कहती क्रिया करनी है, तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? आपका ये क्रियात्मक समूह, ये जो देख रहे हो ना, ये हिस्सा शांत सा, यही है सारी उथल पुथल। सुनिए कैसे, देखो क्या है, ये एल्केन के अच्छे दिनों की बात थी, ये उसके बुरे दिनों की बात है, जब से इनको जोड़ा है तब से तनाव है, ये अपनी विद्युत ऋणता वाली बातें करते रहते हैं, छीनते रहते हैं, इसको दुखी करते हैं, पर ये अणु इंटेलिजेंट बहुत है, एक समय आने का इंतजार करता है, टाइम आन दे बता दूंगा तुझे। तो साहब यहां पे अगर मैं कहूं तो वो समय का इंतजार हो रहा है, यहां पे सीएल ने बड़ा परेशान कर रखा है, OH ने बड़ा परेशान कर रखा है, पर कार्बन चैन शांत है, कोई बात नहीं बताएंगे। तो साहब हमने कभी उसे जलीय NaOH दिए, इसे देखते ही साहब इसके दिल में लड्डू फूटे, इसने एक प्लानिंग करी, इसे कहा कि चल निकल यहां से, क्यों इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, इसको देख के आया कि साहब नई दुनिया बसाएंगे, नया अणु बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके बच्चों क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया कहां हो गई, आपकी क्रियात्मक समूह पे ही तो हुई। ठीक थी ना परिभाषा, क्या पढ़ी थी अभी आपने परिभाषा, परमाणु परमाणु का समूह जो किसी योगी के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, यही तो बोला था, बिल्कुल देख लो आप, हो गया। हालांकि अणु बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं, इसने इसके साथ ऐसा किया तो सीएल भी जाता जाता कहता है कोई नहीं, मैं कौन सा अकेला रहूंगा, मैं भी एनए के साथ अपनी नई दुनिया बसाऊंगा, तू बसाएगा तो मेरे पास भी कोई है, ऐसे हो गया। पर बेटा जी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है, अब क्या होगा, कौन सा यहाँ आके खत्म हो गया, अब तो सब ये वाली तो वो बात है, कुएं से निकला और खाई में गिरा, अरे क्लोरो निकाल के OH डाल के कोई सुकून थोड़ी आ रहा है, अरे ऑक्सीजन तो और ज्यादा छीनता है। तो भविष्य में जब कभी आप उसे HCl दिखाओगे, एक उत्प्रेरक साथ में लेना पड़ेगा, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से पढ़ा हो तो,
तो बच्चों वो जब दोनों मिलेंगे इसको देखेंगे, फिर इनके अंदर एक सेटिंग होगी, चलो मिलके पानी बनाते हैं, और उस पानी बनने के साथ यहाँ पे फिर क्लोरो बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसी होती हैं अभिक्रियाएं। मतलब आप इस चीज पे गौर करें, जहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, अणु में कोई क्रिया ना थी, यहां आकर के वो क्रिया करने लगा। कहां करने लगा? उसी सेंसिटिव जगह पे, उसी संवेदनशील जगह पे जहां आपने ये क्रियात्मक समूह जोड़े हैं। तभी तो बच्चों इनका नाम क्रियात्मक समूह। ऑर्गेनिक पढ़ते समय ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इन्हीं को तो पढ़ेंगे, यही तो सिलेबस है, यही चैप्टर है, इनका नाम सीखेंगे, इनकी समावयवता सीखेंगे, इनकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो कभी क्रिया कहां पढ़ेंगे? जहां ये जुड़ गए वहां क्रिया चालू हो जाएगी, वो क्रिया पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो ये था बच्चों क्रियात्मक समूह की बात। चलो ये तो वैसे बच्चों आगे काम आने वाली बात, लेकिन एक बहुत ही महीन सी जानकारी है, कभी कभी हम वहां भी फंस जाते हैं। हम बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लेते हैं पर एक छोटी सी बात बताने में हमें दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आपके सामने ये अणु लिख के पूछूं और एक दूसरी तरफ ये अणु लिख के पूछूं कि इसमें क्रियात्मक समूह कितने, तो इसमें सटीक जवाब आना काफी मुश्किल होता है। इसको देख के बहुतों का जवाब होता है दो ग्रुप, पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये कीटोन है और उनको लगता है ये अल्कोहल है, तो दो जवाब आ जाता है जो पूर्णतया गलत है। ये एक ही ग्रुप है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जबकि यहां पे अगर कोई बोलता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये भी गलत है। अब ये दो हैं जिसमें एक कीटोन है और एक अल्कोहल, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो पहले नंबर पे ग्रुप पड़ा है ना, सही मायने में दो समूहों को जोड़ के बना है। इसमें कीटोन और अल्कोहल है, पर बच्चों ये अगर किसी अणु में लिखा हुआ आ रहा है, इस पैकेज अवस्था में लिखा हुआ आ रहा है जैसे इकट्ठा, और आपने उसके दो मान लिए, तो साहब फिर आप उस पर कंसेप्ट जो लगाओगे ना वो ठीक नहीं बैठेगा। फिर आप उसका नाम करोगे तो नाम नहीं ठीक बैठेगा, और अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया भी ठीक नहीं बैठेगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। ऐसा लोचा यहां भी है, ऐसा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, क्योंकि इसके अंदर देखो कीटोन ईथर कीटोन, इसके अंदर कीटोन ईथर, इसमें कीटोन हैलाइड, इसमें कीटोन एमाइन, क्योंकि ये जस्ट आगे वाली अगली सीरीज में देखो आप, ये देखिए NH2 अलग दिख रहा है, OH अलग दिख रहा है, CO अलग दिख रहा है, एक X भी अलग होता है, ये OR भी दिख रहा है जो जस्ट आप पीछे वाली सीरीज में देख रहे हो। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर ये OR पड़ा, इसके अंदर ये वाला OH पड़ा, इसके अंदर ये X पड़ा। तो ये इंडिविजुअल ग्रुप भी हैं, इनका अपना पृथक अस्तित्व भी है, पर बच्चों उनकी प्रायिकता कम है, तो इसलिए अपन उनको कम प्रायिकता वालों का नाम नहीं बुलाना, हमें हमेशा सीनियर का नाम बुलाना है। तो यहाँ नेमिंग में एक ऑर्डर चलेगा कि कौन सीनियर कौन जूनियर, तो बच्चों ऊपर वाला सीनियर है, नीचे वाला जो रहेगा ये वाले NH2 रहा, ये रहा, जब वो पड़ा है तो फिर इनका नाम नहीं पुकारना। और ये बच्चों अभी नीट में तो ऐसा सवाल नहीं आया है, पर अगर आप जी हमारी, मैंने बोला ना आपको ये भी देखना वीडियो, इसके सवाल भी करने और गुरुनीति भी करनी है, अगर आपको सेलेक्ट होना है बच्चों तो वो दोनों चीजें ध्यान रखना। तो आज जेई मेन के अगर आप सवाल देखें जो 2019-20 में आए हैं, तो आजकल एक नए तरह के सवाल आ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन से, उनमें दी गई जो दवाइयां हैं, दिए गए जो मधुरक दिए हुए हैं, उनकी संरचनाओं में क्रियात्मक समूहों के परीक्षण पूछ रहा हो कि साहब एक स्पेसिफिक परीक्षण का नाम ले देता है, पर आपको पहले ये बताओ ना संरचना क्या, क्रियात्मक समूह क्या है, तब आप आगे बढ़ोगे। पढ़ेंगे वो भी टॉपिक, हम पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी यहाँ पर डिस्कस होगा, बायोमोलिक्यूल भी होगा, पॉलीमर भी होगा, सारे टॉपिक आएंगे बच्चों, वन बाई वन सबकी बात करेंगे। एक बार जीरो से शुरू किया है, बढ़ते रहेंगे, बहुत जल्दी आपके सामने ये सारा का सारा क्विक रिपीट कर देंगे हम। चलो बच्चों, तो ये अपन ने यहां तक जानकारी हासिल कर ली बच्चों। तो जब आप इनको तैयार करें तो इस लिहाज से तैयार करना कि अपन क्रियात्मक समूहों के अंदर ये बारीक बात जरूर ध्यान रखना कि दो दो या तीन तीन ग्रुप जोड़ के भी कुछ क्रियात्मक समूह बने हुए हैं जस्ट पीछे वाली टेबल के, इनमें कहीं पंगा नहीं होना चाहिए। सीनियरिटी आपको याद रहनी चाहिए, सीनियरिटी टेबल ही है, ठीक है? चलो और देखो बेटा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक बात करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मूलक रेडिकल के बारे में बात करें अपन। तो यहां तक अपना इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, कार्बन हाइड्रोजन के प्रकार अपने सीखे, क्रियात्मक समूह सीखे, अब अपना जो टॉपिक है बच्चों वो रेडिकल का मूलकों। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो कि ये मूलक है क्या, होता क्या है। देखो बच्चों अगर बात करें अपन किसी हाइड्रोकार्बन की,
इनका निर्माण जो है वो हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाने पर करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आप समझते हो बच्चों क्या होते हैं? एल्कीनों को भी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है बच्चों, एल्कीनों को भी हाइड्रोकार्बन कहा जाता है बच्चों, एल्काइनों को भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ये तीनों ही वैरायटी, तीनों के परिवारों का पहला पहला अणु मैंने लिखा, परिवार बहुत बड़े हैं। अपन को बात समझनी है कि आखिर वो कैसे बनने हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन का ये अणु लिया, इसमें से बच्चों मैंने एच हटाया, क्योंकि तो बोला गया है हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन हटाओ। तो बच्चों मैंने एक एच हटाया तो मुझे इस तरह का एक स्पीसी मिली, उसका मैंने नाम रखा रेडिकल, मूलक। इसको जो रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान का जगत है उसमें मूलक कहा जाता है इस तरह की स्पीसी को। अब बच्चों ये संभव है कि एच तो अपन और भी हटा लें, ये लो दो हटा लो, ओवरऑल वहां से देखें तो दो हट गए, ये भी बच्चों मूलक ही है। बिल्कुल ऐसे ही कहें और हटाएं तो और हटाने पे भी बच्चों मूलक ही बन रहा है। ये कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन ये काम सिर्फ एल्केनों पे करें, मन करे जरूरत पड़े तो एल्कीनों पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों एल्कीन के अंदर भी बिल्कुल वही स्थिति, यूं से आपने ये जो दोनों हाइड्रोजन थे वहां से एक एच हटा ली, ये भी बन गया बच्चों मूलक। अब ये जब हाइड्रोजन हटाने पे ये खाली स्पेस वाली जो स्पीसी बनती है जिसमें खाली जगह रह जाती, ये कहलाती है बच्चों मूलक। अब उसकी वैरायटी है एक संयोजी मूलक, द्विसंयोजी मूलक और त्रिसंयोजी। नाम से स्पष्ट, एक संयोजी मतलब एक संयोजकता, द्विसंयोजी मतलब दो संयोजकता। तो देख लो बच्चों इस मूलक की कितनी संयोजकता आपको खाली नजर आ रही है, एक एक संयोजी मूलक। ये बच्चों कैसा है? द्विसंयोजी। ये बच्चों कैसा है? त्रिसंयोजी। बिल्कुल ये एल्कीन का कैसा है? एक संयोजी। एल्कीन में अगर द्विसंयोजी बनाना हो बिल्कुल बन सकता है कि उसका द्विसंयोजी हो। तो ये तो बच्चों बात हुई मूलक क्या है, कैसे हमें हासिल होते हैं, ये हमने एक तरीका जाना कि हाइड्रोकार्बन का ही अंश है। हाइड्रोकार्बन में एक जगह खाली कर लेने के लिए, एक जगह खाली करने पे हमें जो स्पीसी मिल रही है उसी को मूलक कहा हमने। ओके बच्चों, चलो ये तो अपन ने मूलक पढ़ लिया, आगे बढ़े मूलकों के प्रकार सीखे। हाँ, कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आया होगा, सर आप मैथेन से एक दो तीन एच हटा रहे थे तो क्या चारों नहीं हटा पाएंगे क्या? बिल्कुल हटा लेंगे बच्चों, कोई मना नहीं है। चतुर संयोजी मूलक बन जाएगा, चार संयोजकताएं खाली हो जाएंगी। पांच संयोजी बना लो, मैथेन में तो नहीं, कोई और अणु लो तो पांच संयोजी छह संयोजी बनाते जाओ। पर बच्चों हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें मुख्यतः तो बच्चों एक संयोजी ही पढ़ना है। बाकी थोड़े कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी के रूप में अपन को काम आने हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन मेन अभी मैं उसके पर्पज पे लेके चलता हूं। देखो मैंने आपको कार्बन हाइड्रोजन सिखाया तो बिल्कुल साथ साथ आपको एडजॉइनिंग यूज सिखाया कि हम उसे यूज कैसे करेंगे ऑर्गेनिक। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको क्रियात्मक समूह सिखाए तो उसका मैंने तरीका बताया कि आज की तारीख में उसका इस्तेमाल क्या है, आपको उसका पता होना जरूरी क्यों है, आजकल के लेटेस्ट सवालों में उसकी आवश्यकता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अपन अब मूलकों पे भी बात करते हैं, हमें ऐसे अंधाधुंध नहीं पढ़ना, ये बात अपनी पहले होगी रैपिड रिवीजन। अपन इस तरह का कंटेंट लपेट के लेंगे कि जो अपने एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट हो, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी उदाहरण किए जाएंगे जो अपने आगे काम ही ना आए, काम आने वाले ही कर रहे हैं बच्चों। चलो अभी देखते हैं, तो मूलक हो सकता है ऐसा, पर हम मुख्यतः जिनकी स्टडी करेंगे वो आपके सामने थे। अब आ जाओ बच्चों इन मूलकों का नाम। देखो अब जो मैं मूलक की बात कर रहा हूं, यहां दो चीजों पे ध्यान देना बच्चों, दो टॉपिक यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। एक जो ये लिखा पड़ा है नाम की बात करें और एक संख्या की बात करें। एक स्पेसिफिक अणु हमें दे दिया जाए तो कितने मूलक बना रहा है, एक तो ये जानना अति जरूरी है सवाल करने के नजरिए से, और एक बच्चों उनका नाम आना। चलो पहले नाम पे बात करते हैं, नाम का उपयोग सीखते हैं, फिर संख्या पे काम करेंगे, पहले नाम वाला थोड़ा जाने। देखो बच्चों यहां दिया कि आपके पास अगर एल्केन हो,
एल्केन का उदाहरण बता दिया, एल्कीन एल्काइन पे वही वाले नियम लगेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले एल्केन की बात करें। तो एल्केन के लिए कहा जा रहा है कि एल्केन का अगर आप एक एच हटाते हो, तो एक एच हटाने पे आपने देख लिया एक संयोजी मूलक बनता है, तो उसका जब आपको नाम लिखना हो तो एल्क के अंदर इल जोड़ा जाता है, मतलब मूलक एल्केन का है तो इस एन को तो छोड़ दिया जाता है, बची हुई ये जो नाम का जो बचा हुआ पोर्शन रह गया एल्क, ये बच्चों यहां भी होगा, ये बच्चों इधर भी आएगा, बस एक बदलाव क्या होगा, एन की जगह पे कुछ नया आएगा वाई एल करके इल आएगा। देखो मैं उदाहरण बताता हूं बच्चों, मैंने लिया मैथेन, मैथेन लेके बच्चों मैंने उसकी एक वैलेंसी खाली कर ली, एक खाली कर ली तो ये बन गया बच्चों एक संयोजी, मुझे ऐसा ही कहा गया एल्केन ले लो एक एच हटा दो, मैंने हटा दिया मूलक बन गया, मुझे उसका नाम करना था। तो बच्चों मैं जानता हूं ये जो मेरा अणु है ये कौन है, ये मैथेन है, मैथेन है, तो मुझे कहा गया कि एन की जरूरत ना है, हटा दिया। तो बच्चों इसका नाम बनाते समय मैंने काम में लिया मैथ, वो तो ले नहीं बच्चों गिनती वही, और सबसे बड़ी बात ये गिनती ये नाम जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सामान्य पद्धति के, हालांकि इनमें थोड़ा सा बदलाव करके ये यूपीएससी में भी काम आ जाते हैं, ये आगे बात करेंगे। आप जो सीख रहे हैं ये कॉमन नेमिंग है, और कॉमन ऐसी की ऐसी उठा के अपन यूपीएससी में इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे वो यूपीएससी के साथ पढ़ेंगे कि सब क्या चेंज है, लेकिन गिनती वहां पे यही चलनी है। अणु में भी मैथ आया था, यहां पे भी और यहां पे भी मैथ आया, आगे आ गया बच्चों मिथाइल, ये नाम हो गया बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही मान लो आपने एथेन लिया होता और एथेन की एक वैलेंसी खाली की होती तो एक संयोजी उसका भी बन जाता, उसका भी बन जाता, तो बच्चों दो कार्बन के लिए मैं क्या लिखता एथ और आगे क्या लिख देता, ऐसे बच्चों ये होगा, तरीका समझ में आया होगा। और सुनो बच्चों अगर बेटा जी दो एच हटाए, अब दो एच हटाने के आपको तीन तरीके दे रखे, तीनों पे बात करेंगे, तीन उदाहरण लेते हैं, बात को समझते हैं। देखो बच्चों मैंने सबसे पहले तो अपना एक अणु तय किया कि मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसकी, मतलब एथेन अणु। एथेन अणु से जैसे मुझे सबसे पहले कहा गया दो एच हटाओ, और हटाओ भी कैसे, सेम कार्बन से हटाओ, तो बेटा जी मैंने ऐसा कर लिया, मैंने क्या किया ये जो राइट वाला कार्बन था यहां से मैंने दो एच हटा लिया, बन गया बच्चों ये वाला मूलक जो मुझे कहा गया है। अब मुझे सिखाया गया कि नाम में क्या लिखना है एल्क और आगे लिखना है इल एडीन, अंतर समझ रहे, अभी भी नाम करते वक्त बच्चों एथ आना है, पहले भी वही था, इतना हिस्सा तो समझा है, अणु में लिख लो तो भी वही एल्क है, एक संयोजी में लिख लो तो भी वही एल्क है, ये भी वही एल्क है, बच्चों गिनती थोड़ी बदलती, अणु लिखो मूलक लिखो एक संयोजी लिखो दो संयोजी लिखो गिनती वही रहनी है, तो बदलेगा क्या, ये दो एच जो निकले हैं इनके लिए लिखना है इल इड इन, इल सिर्फ एक संयोजी का है, आगे आपने लिख देना है इल इडीन, इडीन और लगा देना है। पर बच्चों ये याद रहे ये जो शर्त लिखी पड़ी है सेम कार्बन वाली, इसके लिए एक नाम भी लिख सकते हो आप, वो नाम होगा जेमिनल कार्बन, जैसे नीचे वाले में दे रखा है विसिनल कार्बन, सेम कार्बन का नाम होता है जेमिनल कार्बन, जेमिनल से अगर आपने एच हटाए तो बच्चों ऐसा मूलक बना, और ऐसा बना तो हमने लगा देना है इल इडीन, तो ये दिया हुआ फॉर्मूला है, ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों, डाटा है सूत्र है। चलो अब दूसरी बात कर, दो एच हटाएं, पर हटाएं कैसे, विसिनल, विसिनल का मतलब पड़ोसी से हटाएं, तो बेटा जी ऐसा कर लेते हैं ये लो यू से मैंने पड़ोसी से हटा लिया, सेम से हटाने का ऑप्शन है, पड़ोसी से हटाने का ऑप्शन है, तो दो तरीके के मूलक हो गए ना, तभी तो बच्चों सबकी अलग अलग बात कर रहे तरीका सीख रहे। तो बच्चों नाम बनाते वक्त एल्क तो आना ही है, आगे अपना अनुलगन बदलेगा, एक संयोजी का इल आया था उपयोग देखा, द्वि संयोजी जेमिनल का इल इडीन आया था उपयोग देख लिया,
द्विसंयोजी जी का एक केस और आ गया, तो यहां पे बच्चों गिनती वही जो बार बार काम ले रहे हो और आगे लगा दो इली, तो हो गया इथाई ली। ओके बच्चों, यहां तक पहुंच गए एक संयोजी, द्विसंयोजी, द्विसंयोजी, जेमिनल विसिनल। अब आ जाओ बच्चों द्विसंयोजी में ही कब टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है सीमा का अंत, हिंदी में लिखें तो सीमांतीय। आपका अणु जितनी चैन, जितना एल्केन का अणु है उसका पहला और अंतिम सिरा पकड़ लो। अगर मैं इस लिहाज से एथेन के वास्ते सोचूं तो बिल्कुल इसी वाले को मैं सीमांतीय भी बोलूंगा। इसके दोनों नाम है बच्चों। जेम का मतलब होता है सीम, विस का मतलब होता है बिल्कुल निकट पड़ोसी, सीमा अंत का मतलब होता है लास्ट वाले, एक गली का ये वाला घर और एक ये वाला घर, बस ऐसे निकाल लो। मतलब एक तरीका है, गली में नहीं जाना, बात तो अणु की चल रही है। तो यहां पे ये वही। तो बच्चों मैं इसका नाम, ये जो पढ़ा है ना, इसका एक और नाम कर सकता हूं। उसके लिए तरीका क्या है? पोली मिथाइलिन। पोली मिथाइलिन में पोली बच्चों अपना शब्द है और उसके अंदर मिथाइलिन जोड़ना है। तो पोली में तो बच्चों डाई ट्राई टेट्रा संख्या सूचक शब्द है। और मिथाइलिन किसे कहते हैं? जो बच्चों सी एच टू होता है ना, ये वाला द्विसंयोजी सी एच टू, उसका वैसे कायदे से तो नाम होता है मैथ इल इड इन। आप कहेंगे कायदे से कैसे? बच्चों एक कार्बन है तो मैथ लगा लिया, सेम कार्बन से दो एच हटते हैं तो इल इडीन लगाने की बात आई थी तो लगा दिया। पर बच्चों यहां पे सामान्य पद्धति में कुछ नाम फेमस हो जाते हैं, परंपरागत हो जाते हैं, तो यहां पे ऐसा ही एक नाम फेमस है और वो नाम क्या है? मिथाइली। मतलब ये बात मैंने बाद में क्यों बोली, इस एक उदाहरण के लिए ये सुविधा है। या ये समझ लो बच्चों ये नाम आप याद कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। समझने में तो वही है, यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। इल इडीन तभी लगाना जब जेम हटे, इलीन तभी लगाना जब विस हटे। यहां पे बच्चों मैंने जेम पे दोनों का इस्तेमाल कर लिया, इल इडीन का भी कर लिया। तो बच्चों क्या बात थी यहां पे? मिथाइलिन और मिथाइलिडीन, अगर मैं यहां पे दोनों में कहूं, तो दोनों के अंदर अगर मैं कहूं तो यहां पे ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई यहां जो हमने ये लिया है ना, ये कोई रेगुलर परंपरा नहीं है। रेगुलर परंपरा तो ये है जो इधर देख रहे हो। यहां अगर मैंने जो कहा तो ये वाला हिस्सा मैं आपको ये कहूंगा, इसके लिए ये समझ लो कि MTR मुझे तो रटना है, इसको सीखना नहीं। सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, आप फिर दोनों को एक जैसा मान बैठोगे और गलतियां करने लगोगे। ठीक है, परंपरागत है, चला हुआ है, ऐसा भी कहते हैं। चलो कहते हैं तो इसको कहते हैं ना मिथाइली। अब बेटा जी अपने इस मूलक को एक बार उस नजरिए से देखो कि ये विष के साथ साथ सीमांतीय भी, बिल्कुल सीमांतीय। सीमांतीय की नजर से देखूं तो इस हिस्से को छोड़ के, इतना हिस्सा भूल के अगर सोचूं तो क्या बचा हुआ है? मिथाइलिन। अच्छा, ये तो गड़बड़ ही हो गया। चलो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। ये लो, ये तो एक इधर का हिस्सा मिथाइलिन, उधर का हिस्सा मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन नजर आ रहे हैं बच्चों? दो। तो क्या बोल दो? डाई मिथाइलिन। कभी कभी तीन होंगे, ट्राई मिथाइलिन। चार होंगे, टेट्रा मिथाइलिन। तो ऐसे चलता जाएगा बच्चों। चलो अब एक बात और रही, तीन एच हटे हों और हटे भी सेम कार्बन से। जैसे मैं कहूं इसी से ले लेता हूं बच्चों, इसी एथेन को एक बार और लिख लेता हूं, CH3C, तीन एच और तीनों के तीनों एक ही से हट गए हैं। तो मैंने बच्चों यहां पे क्या लिख लिया? दो कार्बन का एथ। आगे बच्चों मुझे क्या बोला गया है? इल इड आइन लिखने का। तो मैंने यहां पे लिख लेना है इल इड आइन। तो ये नाम हो गया बच्चों। तो ये पूरा सूत्र आपको समझ में आया होगा कि अपने इस पे कैसे काम किया, क्या स्थिति है। बस ये था बच्चों। पर मैंने कहा कि ये टॉपिक अपने लिए दो तरह से काम का है। अब उसमें से एक काम आप यहीं पे स्पष्ट कर लो अभी, क्योंकि अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले वो वाला जो पर्पज है वो समझो। ये बच्चों एक एक नाम का एक छोटा हिस्सा है, पूर्ण रूप में जब ये आपके सामने आएगा तो अणु बन के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अणु लिखता हूं यहां, जैसे मैं यहां बात करूं, ये जो इथाइलिन हमने लिखा, इसमें देखो बेटा ये जो दोनों जगह खाली है बच्चों, यहां पे मैंने OHOH जोड़ा, OHOH जोड़ा तो अणु का एक नाम हो गया।
और वो नाम हो गया बच्चों इथाइलीन ग्लाइकोल। इथाइलीन आपने बोलना अभी अभी सीखा, आगे चल के मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि दो OH एक ही अणु में पड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोल। और ये बन गया बच्चों इथाइलीन ग्लाइकोल। ये है बच्चों इसका उपयोग। आपने अणु का नाम सीख लिया, अब उसका उपयोग भी तो सीखो भाई, मूलक और ग्रुप दोनों जोड़ के नाम कैसे काम आएगा। और ये अणु कहाँ पड़ा है इस पे भी अपन आगे बात करेंगे, हमारी ऑर्गेनिक में अंतिम चैप्टर में टेरिलीन बनाएंगे, उस दिन ये एक लक के रूप में काम आएगा। ठीक है, चलो बच्चों और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बात करें अपन इसके बाद। तो यहां तक अपन ने दो प्रपंच जान लिए, मूलक आखिर होते क्या हैं, प्रकार उनके क्या होते हैं, फिर मैंने इसमें ये बताया कि सब एल्केन के मूलक बने, अलग अलग परिस्थिति बताई, एक एच हटना, दो एच हटने के तीन अलग अलग केस, तीन एच हटने का एक ही केस, सेम कार्बन से हट। अब इनके बेस पे नेमिंग कैसे होनी है ये आपने जान। एक छोटा सा अंतर कर लो बच्चों, और यही सेम बात आपको एल्कीन और एल्काइन में भी काम आनी है। मतलब अगर आप मूलक बना रहे हैं बच्चों एल्कीन का, अगर आप मूलक बना रहे हैं बच्चों एल्काइन का, तो बस छोटा सा बदलाव ये है कि एल का आपको ऐसे ही काम लेना है, इन का बच्चों ई हटाना है, ई एन तो काम लेना ही है, एल्काइन में एल्क लेना है, आइन लेना है, अंतिम ई उड़ाना है, और बाकी यहां जो सफिक्स आपने सीखे कि एक एच हटने पे इल लगा करता है, दो हटने पे इल इडीन इलीन लगा करता है, वो स्थितियां यहां भी जारी रहेंगी। हाँ, ये वाली जो स्थिति है ये प्योरली एल्केनों के लिए है, इसकी जरूरत एल्कीन में नहीं है, एल्कीन पे यूज नहीं होगा, ये ओनली ऑन एल्कीन जिस सूत्र में लिखा उसके लिए। हाँ, ये वाला ये वाला ये वाला सेम रहेगा, तीन एच हटने वाला केस भी सेम रहेगा। देखो बच्चों कैसे, एक आध उदाहरण से समझे ज्यादा समझ में आएगा। ये बेटा जी एथीन था, एथीन से आपने एक एच हटाया तो एक एच हटने पे ये बन गया इसका एक संयोजी मूलक। तो बच्चों नाम बनाना था तो बच्चों दो कार्बन का एथ लिख लिया, गिनती लिखी जैसे एल्केनों में वैसी एल्कीनों में, दो कार्बन का बच्चों ईन लिखा, ई हटा लिया और उसके आगे जोड़ दिया बच्चों इल, क्योंकि मूलक कैसा है एक संयोजी है तो इल तो आना ही। बिल्कुल ऐसे ही मान लो स्थिति होती एल्काइन की ऐसी कि उसका एक एच हटा होता, प्रत्यक्ष मूलक ही देख लेते, तो बेटा जी वहां दो कार्बन का एथ आता, ट्रिपल बॉन्ड का आइन आता और एक संयोजी का इल भी आता, तो वहां पे भी ऐसा ही चलेगा। मतलब ये कॉमन है बच्चों, ऐसा नहीं मान के चलें कि सर ने तो सिर्फ एल्कीन के बताए, शुरू तो किया था तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन, पर जिसकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसमें हमने ज्यादा काम कर लिया, बाकी बातें वही रहनी है। ओके बच्चों, तो ये थे मूलक, मूलकों का नाम, और नाम का मैंने साथ साथ उद्देश्य भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने कुछ नाम लिखे उन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम देंगे। आज ही काम लेके दिखाऊंगा, अभी नेमिंग पढ़ेंगे अणुओं की, तो वहां पर आपका ये वाला जो टॉपिक है मूलक ये आपको आएगा तो बड़ा आसानी से आप अणुओं का नाम बना लेंगे। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था बिल्कुल वैसे ही मैं कहूं तो बच्चों इस तरह से ये एक अणु होता छह कार्बन का, तीन और तीन छह कार्बन, जिसके पहले और अंतिम कार्बन से एच निकल जाता, हेक्सेन था, नॉर्मल हेक्सेन था और उसमें से एच निकल गया तो उस केस में मूलक बना बच्चों कौन से वाला, ये वाला, क्योंकि आपके पास एल्केन था, आपने दो एच हटाए और कैसे हटाए, सीमांतीय हटाए, तो बच्चों इस तरह का मूलक आपके सामने आया जिसमें आप देखें तो एक दो तीन चार पांच और छह ग्रुप आपको कौन से नजर आ रहे हैं, मिथाइलीन। इसका नाम क्या होता है, मिथाइलीन। तो पोली की जगह क्या लिख लो, हेग्जा, हेग्जा मिथाइलीन। और फिर उसके बाद आप यहां क्या जोड़ते हैं, मैं यहां बच्चों एनएच टू जोड़ना चाहता हूं तो बन गया, अब ये पूरा एक अणु बन गया, अब ये मूलक नहीं अणु है, पर इस अणु का सामान्य पद्धति में जब नाम लिखा जाएगा तो उसका सूत्र होगा मूलक के नाम में क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ दो, तो दो टुकड़ों को जोड़ना होगा, मूलक का नाम तो वही चलेगा जो अभी सीखा हेग्जा मिथाइलीन, और आगे दो NH2 है तो लिख देंगे डाइअमाइन, जैसे मैं बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला बता रहा था, ये बताया तो इसमें मैंने क्या कहा मूलक का नाम क्या है, इथाइलीन,
और उसके अंदर दो अज के लिए क्या आता है, डाई अल्कोहल, या उसके लिए फेमस चलता है ग्लाइकोल। ये उपयोग है बच्चों, चीज पढ़ो भी सही और ये भी सीखो कि आखिर वो काम कहां जाके आएगी। ऐसे नहीं अंधाधुंध पढ़ते रहना है, पढ़ते सारे ही, लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं आता तो कंपटीशन के लिए कोई मतलब का नहीं। तो ऐसे करके बच्चों ये यूज होगा आपका मूलक। मैंने कहा दो 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 पर्पज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दो उद्देश्य है यहां पे। एक उद्देश्य ये है इस तरह के नाम बनाना, और ये नामों से आप गुजर चुके हैं, बारहवीं पास है तो बच्चों ये अणु देखा सा सुना सा होगा, इथाइलीन ग्लाइकोल, टेरिलीन बहुलक बनाया, ग्लाई पटेल बनाया, तो उन बहुलकों को बनाते समय ये एकलक था। जब आपने नायलोन 6-6 का निर्माण किया तो वहां पे इसको यूं लिखा गया था कि दाब में CH2 6 NH2 NH2, और हमने उसे कहा था नायलोन 6-6 में हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन होता है, हाँ या ना, कहा था। तो बच्चों ये वही तो है, कहां जाके पढ़ा, आज ये पहला टॉपिक है एन ऑर्गेनिक, अंतिम चैप्टर में जाके अपने इसको इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन पर्पज सीखते चलो आप। मैंने कहा ना थोड़े से ड्यूरेशन में आपको इतना कंटेंट इस तरह से देंगे कि आपको पता लगेगा कि हाँ कहां जाके उसका उपयोग भी करना है, ऐसे नहीं कि रेंडमली। चलो बच्चों, तो ये तो बातें हुई बच्चों नामों, नाम को लेके उद्देश्य जो हमारा पूरा होता है। अब मैं एक और उद्देश्य पे बात करूंगा बच्चों, चलिए आगे आते। अब दूसरा उद्देश्य आपको नजर आ रहा है, नाम मैंने बनाने आपको सिखा दिए, नाम बनाएंगे थोड़ा सा, मैं उसमें नामों में भी कुछ और अपडेशन भी करूंगा, वो भी बात करेंगे। लेकिन अब एक दूसरे मुद्दे पे आते, अगले ने कहा मैथेन का एनवीआर एक संयोजी मूलक एक होता है, एक बनाया तो एक ही होता है, एथेन का मोनोवेलेंट रेडिकल एक होता है, एक संरचना दी, प्रोपेन के लिए मोनोवेलेंट रेडिकल एनवीआर उलझना मत, एम से मोनोवेलेंट, एम से मोनो, वी से वेलेंट, आर से रेडिकल, एक संयोजी मूलक को ही अंग्रेजी में मोनोवेलेंट कहते हैं, एमवीआर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म थी इसलिए लिख ली बच्चों। तो यहां कहा गया प्रोपेन के मोनोवेलेंट कितने होते हैं, दो। फिर अगले में गए तो यहां देखा हमने कि सब ब्यूटेन के तो इसने चार बना रखे, फिर पेंटेन की बात, चलो पेंटेन की इसने नहीं की, पेंटेन पे जाते तो आठ बन जाते, मेथेन पे बच्चों एक, एथेन पे एक, प्रोपेन पे दो, ब्यूटेन पे चार, पेंटेन पे संख्या आठ। ये है बच्चों हमारी ऑर्गेनिक की समावयवता का एक गुण। ऑर्गेनिक अणुओं के परिवारों में बढ़ो तो बहुत सारे अणु मिल जाते हैं, वो क्यों मिल जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि उनमें जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती है तो उसमें समावयवी बनने शुरू होते हैं। तो पहले तो बच्चों ये संख्या आ कैसे रही है उस पे चलते हैं, फिर बताऊंगा कि संख्या अगर आप सटीक याद रख लो तो आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक में, इसके क्या बेनिफिट आप आगे लेने वाले हैं। देखो बच्चों सबसे पहले सरल अणु मैथेन पे चलते, मैथेन में बच्चों मैंने एक संयोजी मूलक एक इसलिए बनाया क्योंकि मेरा अणु जिससे ये तैयार हुआ है इसी ने तो बनाया इसे, इसी की तो उत्पत्ति है ये, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो लेना पड़ेगा। तो बेटा जी उसमें कार्बन था सुपर एक डिग्री, सारे हाइड्रोजन थे सुपर एक डिग्री, मन करे वो उसमें से निकाल लो, और अगर संरचना वाइज भी जाओ तो बच्चों समचतुष्फलक कार्बन है तो आप उस समचतुष्फलक का कोई भी हाइड्रोजन हटा लो बच्चों, फाइनली आपको एक ही स्पीसी मिलने वाली। अब जब आप एथेन में जाएंगे तो भी एक क्यों मिलने वाली है, माना कि वहां कार्बन दो है पर बच्चों अलग अलग थोड़ी ना है, एक डिग्री ही तो है, हाइड्रोजन तो छह ही है, तो बच्चों छह में से आपका मन करे छह हाइड्रोजन एक डिग्री कोई हटा लेना, तो अगले ने तो ये भी डिफाइन नहीं किया कि लेफ्ट कार्बन लिया कि राइट लिया, अगले ने तो सीधा ही लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा, कोई आपके सामने ऐसा आएगा ही। तो ये मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, जिसका डिस्कशन हुआ था नाम के बारे में कहें तो। चलो अब तीसरी बात करें प्रोपेन, बेटा जी ऐसा होता है हमारा प्रोपेन, ये बना दिए उसके दो मूलक, दो क्यों बनाए, जरूरत थी बच्चों उसकी, आप देखो ये कार्बन एक डिग्री पड़े हैं, ये कार्बन बच्चों दो डिग्री पड़ा है, हर चीज चाहे वो कितनी ही छोटी हो बच्चों जो पढ़ा दी वो काम जरूर लेंगे हम। हमने आपको कार्बन का प्रकार सिखाया, क्यों सिखाया, क्योंकि वो आए बगैर यहां आगे फंस जाता बंदा, हम तो मान लेते हैं आता है, अब मान लो थोड़ी सी लगेंगे तो फिर दिक्कत आ गई ना, आप जब डिग्रियां ही नहीं पहचानते तो फिर दो मूलक कैसे बनाओगे, दो इसलिए बनाए बेटा जी, एक डिग्री से अलग बनाया, दो से अलग बनाया,
ठीक है, चलो और बढ़ते हैं। अब आओ बच्चों यहां पे इसके चार कैसे आए। इसके चार आने से पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ये तीन वो अणु थे जिनके स्वयं के संरचना समावेवी नहीं है, पर ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का सूत्र तो लिखा जाता है बच्चों C4H10, और वो ब्यूटेन दुनिया में होता है एक बच्चों इस तरह का, जिसमें कोई शाखा नहीं होती। एक होता है बच्चों इस तरह का जिसमें एक शाखा पाई जाती है, इसको कहते हैं एन-ब्यूटेन, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये परंपरा है सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति में एक फर्क है, बड़ा फर्क। अब सामान्य पद्धति इसको भी ब्यूटेन कहती है, इसको भी ब्यूटेन कहती है, क्योंकि चार कार्बन इसमें भी हैं, चार इसमें भी हैं, और यही पूछा जाए IUPAC से तो वो कहती है कि साहब ये तो 2-methyl propane, मतलब वो अणु को मानती क्या है, इतना ही मानती है, इसको तो शाखा मानती। हालांकि ठीक है, सामान्य पद्धति भी कहती है शाखा है, मैथिल है, दो नंबर पे लगी है तो आइसो लगा लो, स्ट्रेट है, बिना कोई शाखा है तो नॉर्मल लगा लो। ये बच्चों अभी उपयोग है एन का, आइसो का, नियो का प्रयोग है। एन मतलब अशाखित अणु, आइसो मतलब एक मैथिल शाखा वाला अणु, नियो मतलब 2-methyl शाखा वाला अणु। कभी ये पूर्व लगन होते हैं, नामों के आगे लगते हैं, सामान्य नामों के आगे लगाए जाते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, समावेवियों का नाम अलग अलग करके दिखाना। तो बच्चों मुद्दा था चार कैसे बने, तो पहले आपको ज्ञान हो कि ब्यूटेन बच्चों दुनिया में 2 तरह के। अब 2 तरह के हैं तो उनमें एच हटाने का फिर सोचो, ये वाले कार्बन बच्चों 1 डिग्री, ये वाले कार्बन बच्चों 2 डिग्री, तो 1 डिग्री से अगले ने निकाल के बताया, 2 से भी बताया, तो कुल मिला के 2 बना दिए। तो यहां पे देखो बच्चों, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब 1 डिग्री है, पर ये सेंटर वाला तो बेटा जी 3 डिग्री पड़ा है। तो देखो 3 डिग्री का अगले ने अलग दिखाया और 1 डिग्री का अलग दिखाया। आप इसको थोड़ा डिटेल भी लिख सकते हो, ऐसी संरचनाएं जब आपके सामने आती हैं, कुछ उनको सॉल्व करना हो तो अपनी तरफ से उनको थोड़ा ऐसे डिटेल में करके लिख लिया करो। ब्रैकेट में 2 दिए हुए CH पे लगे हुए, तो CH में मैंने इस तरह ओपन करके लगा ली। अब CH3 3 दिए हुए हैं, तो बेटा जी 1 लगाया, दूजा लगाया, तीजा लगाया, और ये लो बच्चों ये डिटेल आ गई, इसको भी लिख लिया। तो ये तो बच्चों संख्या की बात हुई कि 1 क्यों 2 क्यों 4 क्यों और ज्यादा क्यों, तरीका बता दिया। वैसे तरीके में बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट बात याद रखो, इन उदाहरणों में तो इतना ही आया, कार्बन की डिग्री सेम है, हाइड्रोजन समान है, तो उस तरह के मूलक बना दो, 1 डिग्री का बना दो, 2 डिग्री का बना दो। पर इसके आगे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा जब आप और ज्यादा आगे जाके सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें, हमसे कोई पूछे कि इस पेंटेन में, इस पेंटेन का नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन के कितने एक संयोजी बनाओगे, एक सीधा सा जवाब होता है 2। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री है, और बीच वाला भी 2 डिग्री है, तो लगता है कि 2 ही प्रकार, नहीं, डिग्री के हिसाब से बिल्कुल 2 है, पर मूलक बनेंगे 3। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं डिग्री भी देखूंगा, डिग्री के बाद में उसका संकरण भी देखूंगा, जिस लिहाज से भी ये तीनों समान है, संकरण की बात भी आती है। देखो कैसे, जब आप देखते हो ये वाली स्थिति, जब ये ले लेते, इस कार्बन का संकरण sp2 हो जाता है, इस कार्बन का संकरण sp3 हो जाता है, इसका मूलक अलग बनेगा, इसका मूलक अलग बनेगा, भले ही 1 डिग्री। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिग्री समान पे समान मूलक बनता है तो गलत लगता है बच्चों, इससे अपन 2 मूलक बनाएंगे जब एल्कीन के बनाने की सोचे तो। डिग्री पे भी ये बात देखनी होती है, डिग्री सेम देखने के बाद संकरण देखना चाहिए, वो भी सेम हो तो फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए उसका बंधन। जैसे इस 2 डिग्री के बारे में मैं अगर विचार करूं तो इसके एक तरफ 1 डिग्री और एक तरफ 2 डिग्री, पर अगर इस 2 डिग्री के बारे में विचार करूं तो बच्चों दोनों तरफ 2 डिग्री, तो ओवरऑल ये बंधन का फर्क है, इसलिए हम 3 ऑप्शन लेने जाते हैं इससे बनाए तो। चलो ये आगे आ जाएंगी बातें, मेन बेसिक आपको स्पष्ट हुआ होगा कि क्या है कहने का भाव। अब मुद्दा है, चलो सर आपने हमें नाम सिखाए, नामों का उपयोग बताया, आपने हमें संख्या बताई, तो अब संख्या का उपयोग भी बता दो। बिल्कुल बच्चों उसी लिए तो इतनी बात डिस्कस की है, उपयोग सुनो। आपको दे दिया जाएगा C4H9Br और कहा जाएगा इस अणु सूत्र से बनने वाली संरचनाएं बताइए कितनी होंगी।
तो अगर तो बच्चों आपने ये तरीका हमारा सीख रखा है तो जवाब सीधा आएगा 4, और नहीं सीख रखी तो बच्चों बनाते रहो, और बनाते समय एक आध छूट जाएगी तो जवाब गलत हो जाएगा। समावयवी की संख्या, संरचना समावयवी की एक सटीक संख्या तक नहीं पहुंचोगे आप। कैसे? क्योंकि इसमें सीधा पड़ा है ना कि ब्यूटेन में 4 ऑप्शन होते, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, और आईसो वाले केस के अंदर 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। तो ऐसे करके आपने ब्रोमो यहां लगाए, ये लो बच्चों, ये आपके अणु रेडी। अब यहीं पे मान लो अगला आपसे कह देता C4H10O सूत्र से बनने वाले एल्कोहल, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बताओ, एक OH वाले बताओ। तो उसने ऐसा पूछा तो बेटा मैंने उसे तुरंत लिखा C4H9OH, एल्कोहल मतलब OH, और C4H9 का मतलब ब्यूटेन से बना, ब्यूटिल। तो बच्चों 4 है, 4 ही जवाब आएगा, इसलिए पढ़ा। इस तरह के सवालों पे अपन जाएंगे। तो उद्देश्य समझ में आ रहा है बच्चों, हम मूलक पढ़ रहे हैं तो मल्टीपर्पज टॉपिक है। अगर उसका नाम सीख लें तो वो हमारी मदद अणुओं का नाम बनाने में कर देगा, चाहे वो सामान्य नाम हो, चाहे व्युत्पन्न हो, चाहे IUPAC हो, सारों में मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगले टॉपिक है वो, बस इसको खत्म किया और वहां पहुंचेंगे अपन। और दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहाँ ये भी एक बात आती है कि अगर आपके पास इन मूलकों की एग्जैक्ट संख्या है, हाँ ये ध्यान रखना कि वो बोले क्या। आप सूत्र से पहले ये पता कर लें कि आपको एक ही ग्रुप लगाना है। कभी कभी वो लिख देगा C3H6Br2, अब ऐसा दे दिया ना, तो आपको चाहिए तो प्रोपेन, पर प्रोपेन के BVR चाहिएंगे, 2 संयोजी मूलक, 2H हटाने के कितने चांस है, तब सॉल्व होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जैसे जैसे अपन इन रिएक्शन में चलेंगे, इस तरह के जैसे ये एल्किनों की हेलोजनीकरण अभी किया है, वहां पे इस तरह के सवाल अपने नीट में आए हुए हैं, तो उस टॉपिक के साथ इस तरह डिस्कस करेंगे। पर हम एक बेस बनाते हुए अभी चल रहे हैं, तरीका आपको थोड़ा सा आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो तो ये आपने पढ़ा बच्चों, वापस से एक बार देख लेते हैं क्या मूलक क्या है, पढ़ लिए, मूलकों का नाम कैसे होना चाहिए वो देखा, संख्या कैसे निकाली जाती है वो देखा, इनके नाम आपने पढ़ ही लिए। इनके नाम में बच्चों एक और लोचा है, वो भी देखो क्या बेटा जी, 3 कार्बन को देख के मैं प्रोप लिखूंगा, लिखना चाहिए, 1 संयोजी का इल लिखूंगा, अभी सीखा था प्रोपिल। तो बच्चों नीचे वाले में भी 3 कार्बन का मैं प्रोप लिखूंगा और 1 संयोजी का मैं इल ही लिखूंगा, प्रोपिल प्रोपिल दोनों आ गए। तो बच्चों ये तो दुविधा हो गई, हमने जो अभी पीछे सीखा उसके हिसाब से तो हमने इतना ही सीखा, संख्या कार्बन की बता दो, इल लगा दो। लगाने पे बच्चों बात उतनी सही से अपनी बनी नहीं, हम जो देख रहे हैं उसके अंदर दो साहब दो संरचनाएं अलग दिख रही हैं, नाम दोनों का समान, इनको कहते हैं समावयवी। और इनको विभेदन करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, व्यवस्था का नाम है एन आइसोनियम, सेकेंडरी टर्शियरी। इस तरह के कुछ शब्द होते हैं बच्चों, इस तरह के शब्दों को पूर्व लगन कहते हैं, पहले लिखा जाने वाला, उनको लिख के इनका नाम अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग दर्शा सकते हैं। देखो कैसे लिखें इसको, देखो पहले तो इन तीनों को समझो बच्चों, कोशिश करना कि ये लगे। इसको पुकारा तो नॉर्मल जाता है, लिखा है ना जाता है, इसको जो पुकारा जा रहा है वही लिखा जा रहा है। ये कब लेना है, जब आपके अणु में आपके मूलक में शाखा ना हो। अगर शाखा हो तो इन दोनों का इस्तेमाल करना, शाखा में भी तय है कि कौन सी शाखा, मिथाइल शाखा, अगर वो 1 हो तो आइसो, अगर वो 2 हो तो नियो। मेन मेन बात समझ में आई, अगर शाखा ना हो तो नॉर्मल एन, और अगर शाखा मिथाइल 1 हो तो आइसो, और शाखा 2 हो तो नियो, मिथाइल ही होगी। बच्चों इतनी ही बात काफी नहीं है, उसकी जगह भी तय है। अब वो जगह क्या है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले अब इसको तरीका सीखें। सर ये कैसे पता लगता है शाखा है? बिल्कुल आसान है बच्चों, जो आपको मूलक दिया गया है उसकी ओपन वैलेंसी से चल पड़ो, जहां से वो खुली श्रृंखला पड़ी है, जहां कोई ग्रुप आके भविष्य में जुड़ जाए तो आप वहीं से चल पड़ो। चलने की जगह तय है, उसको फेर बदल मत करना मूलक में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं से चलो, चलते चलो चलते चलो, मैक्सिमम कार्बन जितने लपेट सकते लपेट लो सब, मैंने तो सारे ही लपेट लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति थी तो लपेट ली। कभी कभी नहीं भी कर पाऊंगा, अगले उदाहरण में नहीं कर पाऊंगा। देखो कैसे
मैं चला बच्चों यहां से, वहां जाके मेरे पास क्या आ गया, एक तिराहा बन गया। एक रास्ते पे तो मैं आ रहा था, दो रास्ते मुझे नए मिले। तो घर वालों ने सिखाया है तिराहे चौराहे पे ध्यान रखना है भाई, चौराहा तो स्पेशली बताया जाता है ना, तो ये वही वाला है, ये तिराहा है। तो बच्चों एक पे आप आ रहे हैं, एक पे आप चले और एक छोड़ दीजिए। तो बेटा जी इस तरह से अपन ने ये रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि कार्बन वो एक ही मिलना था, उधर जाते तो भी इधर जाते तो भी। तो बच्चों ये जो छूटा ना, यही शाखा है, और इसमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलते गए कोई तिराहा चौराहा आया ही नहीं, तो सब कुछ लपेट डाला। तो बच्चों इसे अशाखित कहते हैं, इसे शाखित कहते हैं। अशाखित के लिए क्या लिखना है, एन। शाखित में एक मैथिल शाखा दिख रही है, और मैथिल के लिए क्या लिखा जाता है, आइसो। पर वहां मैं एक बात फिर अलर्ट करूंगा, हर मैथिल आइसो नहीं लिखवाएगा। चैन सिलेक्शन करते ही तुम्हें मैथिल दिखा और टिका दिया आइसो, तो फंस जाओगे भाई। अब यहां ध्यान रखो कि वो मैथिल कहां होना चाहिए, जो मूलक की आपने चैन चयनित की है उसके सेकंड लास्ट पे। अब बच्चों ये सेकंड लास्ट क्या होता है, चलते चलते जहां एंड होता है उसे तो कहते हैं लास्ट, उससे पहले वाला होता है सेकंड लास्ट। तो बच्चों मैं तो इधर से आ रहा था लास्ट, और वापस लौटा तो सेकंड लास्ट, और वहां मैथिल पड़ा है, लगा दिया बच्चों आइसो। हाँ, अगर ये अणु होता जैसे ये अणु होता, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसमें दोनों रिवाज है, इसमें कहते हैं इधर से चल के आओ तो सेकंड, और कोई उधर से चलता हुआ आ रहा है तो ये लास्ट, लास्ट से पहले वाला सेकंड लास्ट। मतलब इस जगह को, इस बिंदु को सेकंड भी बोला जाता है, सेकंड लास्ट भी, पर ये सुविधा अणु को है, मूलक को नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर है, देखो आप ये गिनो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, मैं भी जानता हूं, पर इस परंपरा से हम आगे जाके फंस जाएंगे। नियम वही बनाओ जो आगे तक चलते चले, ठीक है। तो ये बच्चों आपने आइसो भी सीख लिया, चलो और देखें। ये क्लियर हुआ बच्चों, संख्या का उद्देश्य मैंने बता दिया था, नामों में एक विशेष बात बतानी थी वो बता दी। अब इसमें भी वही बात, बच्चों मूलक पड़े हैं, मूलकों में चार के लिए ब्यूट आना है, एक संयोजिका ही लाना, सारे ब्यूटिल है। जो पहला ब्यूटिल है उसे क्या बोलूं बच्चों, मैं यहां से चल के जब यहां तक गया तो अगले का नाम पड़ा एन ब्यूटिल, क्योंकि बिना शाखा वाला। मैं बेटा जी यहां से चल के अब किधर मुड़ू, उधर मुड़ू जिधर ज्यादा कार्बन मिले, क्योंकि मैं लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर रहा हूं। चलना तय है, तिराहे चौराहे पे अलर्ट होना है, बड़ी चेन तो लेनी है, ले ली बच्चों। लेते ही मुझे मैथिल नजर आया, और मैथिल को देखते ही इमोशनल हो गए, आइसो टिका दिया, गलत टिका दिया भैया, नीट का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ, चारों देखे। अगले ने पूछा आइसो ब्यूटिल कौन है, अगर तुम इस पे आइसो लिख दोगे तो गलत जवाब है भाई। क्यों, अभी सिखाया था ना, इधर से आ रहे थे, लास्ट तक पहुंच गए, वापस लौटे, वहां तो ना था ना मैथिल, तो क्यों आइसो लगा रहे हो भाई, रट्टा थोड़ी मारना कि मैथिल का आइसो लगाना, जगह भी तो तय है, कहां पे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पे। तो इसलिए बच्चों यहां सेकंड लास्ट नहीं है, तो आइसो का विचार मन से त्याग दिया। एन लगता नहीं, आइसो लग नहीं रहा, और नियो तो वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि दो मैथिल चाहिए। तो अब क्या बच्चा, अभी मैंने लिखा था SEC, फुल फॉर्म है सेकेंडरी, और इसको कहते हैं अपन दो डिग्री, हिंदी में कहते हैं द्वितीयक। तो बेटा जी ये जो कार्बन है ना, जहां से वैलेंसी फ्री हो रही है, उसकी डिग्री देखो, दो डिग्री है, तो इसका नाम पड़ा सेकेंडरी ब्यूटिल। ऑप्शन ज्यादा दिए थे, एनआईसो ना लगे, एनआईसो नियो ना लगे, तो सेकेंडरी टर्शियरी लगा, डिग्री भी देख लेते हैं उसकी। अब आए बच्चों यहां, इसकी मैंने डिटेल संरचना अभी बनाई थी, ऐसे बना लो। यहां से चल के यहां पहुंचे, अब आप सीधा भी निकल सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, वही मिलना है आपको। ये चैन हो गई बच्चों, और चैन के अंदर अच्छा एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया क्या, हाँ ये पांच कर ली, कोई नहीं ये अपने कम कर देते। ये लीजिए बच्चों, ये हो गया अपने पास, ये स्पीसी थी। अब यहां पे मैंने देखा कि बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए वही वाला है, लास्ट सेकंड लास्ट पे शाखा, कौन सी शाखा पड़ी है, मैथिल शाखा। तो अपने इसको क्या बोल दें बच्चों, आइसोब्यूटिल। नीट का सवाल है यही वाला, प्रीवियस ईयर पे जो सवाल आया ये आपके सामने डिस्कस हो रहा है, यही वाला है, अभी देखेंगे लास्ट। तो बोले तो सब ये था, ऐसे बताना था, और अगर उस पर टिक मार दिया, जल्दबाजी कर ली, तो गलत हो गया बच्चों। तो आइसो बड़े ध्यान से लगाना है, आइसो भी लगता है, सेकेंडरी भी लगता है, नियम अलग अलग है, तरीके बता दिए। अब यहां चले अपन, तो बच्चों कैसा है ये, इस तरह का है। यहां से चल के जब हम यहां तक गए, तो बेटा ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, दो मैथिल है, नियो बनता है, पर एक पंगा है, वो पता है क्या,
ये नॉर्मल आइसोनियो जब अणुओं पे इस्तेमाल होते हैं तो इनमें हमेशा कार्बन ज्यादा की डिमांड होती है। जैसे मैं नियो का उपयोग एक अणु के रूप में करूं तो कम से कम मुझे अणु 5 कार्बन का चाहिए, क्योंकि उसकी चैन ऐसी बने और 2 मेथिल शाखा बने, सेकेंड नंबर पे बने, तो नियो पेंटेन बोलो। अगर उस नियम को अपन रिजिडली पकड़ लें कि साहब 5 से पहले नियो ना लगाना, तो बच्चों नियो लग नहीं रहा। उस केस में फिर हमें दूसरा विकल्प लेना पड़ता है जो ज्यादा फेमस है, 3 डिग्री कार्बन देख के इसका क्या बोला जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल। हालांकि नियो गलत नहीं है, नियो भी चलेगा, पर बहसबाजी इसमें नहीं चलती है बच्चों, क्योंकि कॉमन नेमिंग के वक्त जो ये लोग थे ना नेमिंग बनाने वाले, वो एक छत के नीचे कभी नहीं आए, तो जिसने भाई जिसकी चली उसने नियम चला दिया, तो नियो भी चलता है टर्शरी भी चलता है। हाँ, तरीके मैंने दोनों सिखा दिए हैं, तरीका अपन को आना चाहिए, ठीक है। तो अपन और आगे बात करें। हाँ तो बच्चों ये अपन ने पढ़ लिया, ये मैंने आपको बता ही दिए, बाइवेलेंट मिथाइलिन मिथाइलिडीन, ये वाली भी बात हो गई थी, इथाइलिडीन इथाइलिन, इनके नाम अपन ने पढ़ लिए। ये बच्चों कुछ फेमस रेडिकल बार बार आपके सामने आएंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो इसे कहेंगे विनाइल, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो इसको बोला जाएगा बेटा एलाइल, ट्रिपल बॉन्ड से अगले कार्बन पे ये फ्री होगी तो इसे कहेंगे प्रोपारजिल, ठीक। हाँ, अब इसको थोड़ा सा यूं कोरिलेट भले ही कर लेना कि ये जो अणु आप देख रहे हैं बच्चों डबल बॉन्डेड, इसके जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनका नाम ही विनाइलिक कार्बन, उस पे जो एच पाए जा रहे हैं चारों उनका नाम विनाइलिक एच। यहां नहीं बच्चों, आप उसको वलय रूप में देखें तब भी जवाब यही है, डबल बॉन्ड के कार्बन विनाइलिक हैं, उनके आगे सॉरी ये बात अपन आगे करते, ये विनाइलिक हैं, इन पे पाए जाने वाले एच विनाइलिक। अगर आप भविष्य में कभी यहां पे धन आवेश भी बना दें तो उसे कहेंगे विनाइल कार्ब धनायन, तो विनाइल बहुत हिट नेम है, बार बार आपके सामने आएगा, अच्छे से समझना। डबल बॉन्डेड कार्बन का नाम विनाइलिक है, उस पे एच का नाम विनाइलिक है, उस पे मूलक बने तो विनाइल है, धनायन बने तो विनाइल धनायन है। बिल्कुल ऐसे ही डबल का अगला, जैसे ये वलय में डबल पड़ा है, ये वाली और ये वाली जगह डबल से आगे वाली जो जगह है उसे क्या कहते हैं, एलाइल। उस पे भी वो सारी संभावनाएं हैं, एलाइल मूलक भी बन सकता है, एलाइल धनायन भी बन सकता है, एलाइल ऋणायन भी बन सकता है। और ट्रिपल पे नेक्स्ट कार्बन पे प्रोपारजिल के नाम से जाना जाएगा। ये था बिल्कुल ऐसे ही, ये जो C6H5 है इसका फेमस नाम चलता है बच्चों फिनाइल, फीन फिनाइल, इसको बच्चों आप कोरिलेट करो इससे। ऐसी संरचना जिसको आप बेंजीन पढ़ते हैं, बेंजीन से कार्बन से एक जगह खाली हुई, पर गलती से बेंजिल मत बोल देना बच्चों, ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है, ज्यादातर लोग करते हैं, इसका विशेष ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि बेटा जी यहां पे बेंजिल जो कहना है ना हमें, वो इसे कहना है, इसीलिए तो ये सारे अलग करके रखे आपके सामने। फेनिल और बेंजिल का अंतर अच्छे से समझना, बेंजीन से बेंजिल नहीं बनेगा, फेनिल बनेगा, और उसके लिए बढ़िया रहेगा कि आप बेंजीन का एक पुराना आदिम नाम याद करो फीन, और फीन से बनाओ फिनाइल, और फिनाइल सीखते वक्त विनाइल वाली बात को थोड़ा दोबारा रिलेट करता हूं। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक। अब कई लोग कहेंगे हाँ सर यहां भी तो डबल बॉन्डेड ही है। हाँ जी बिल्कुल बेटा है, अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं, हर डबल बॉन्डेड को विनाइल बोल लेना इस पैकेज को छोड़ के, ये जो बेंजीन वाला पैकेज होता है ना, ये इस वाले को छोड़ के बाकी केस में आप उसको विनाइल बोलें, इसमें तो फिनाइल ही बोले, फिन ही बोले, इस पे कार्बन का नाम भी फेनिलिक है, मूलक का नाम भी फेनिल है, और धनायन भी बन जाए तो फेनिल ही धनायन है, ठीक है बच्चों। तो ये से अपनी बात हुई फिनाइल की, बिल्कुल बेंजिल भी ऐसे ही, हमने कहा ना डबल से अगला, पर याद रहे ये सारे डबल हैं, डबल से अगला है, गलती से एलाइल मत बोलना, जैसे मैं कह रहा हूं ना डबल को फीन कहते हैं, डबल वाले को विनाइल कहते हैं, पर इस वाले को फिनाइल कहते हैं, ये एक उसमें अपन कहें तो कंपैरिजन की बात है बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही एलाइल और बेंजाइल में भी कंपैरिजन है, डबल से अगला होगा पर डबल जो है वो बेंजीन वलय का नहीं होना चाहिए, जैसे ये बेंजीन, ये C6H5 बेंजीन वलय का पार्ट, तो उस केस में से बेंजाइल कहना है। 2H हटने पे बस अनुलग्न बदल जाएगा, बेंज तो आएगा ही, जैसे यहां आया और आगे लग जाएगा इल इडीन,
और तीन हटने पे बेंज तो आएगा ही, इल इड आइन, ये अनुलगन मैंने पीछे सिखाए थे वही, और बेंजिलिडीन है तो इसका एक फेमस नाम, रटने वाला नाम भी चलता है बेंजल, इसका एक फेमस नाम भी चलता है बच्चों बेंजो। ये है कुछ महत्वपूर्ण मूलक जो बार बार हमारे सामने ऑर्गेनिक पढ़ते समय आते रहेंगे, और मुख्यतः मैं यहाँ पे कहूंगा विनाइल, विनाइल के बाद फिनाइल, और एक एलाइल और एक बेंजाइल, ये चार नाम तो बहुत बढ़िया से सीखना बच्चों, इनमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। उसका संबंध, इसका संबंध फीनिया बेंजीन से, ये बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन होता है, बेंजीन वाले का नेक्स्ट, वो डबल बॉन्डेड होता है, वो डबल से अगला, पर डबल बॉन्डेड फीन नहीं होना चाहिए, डबल से अगला कहूं तो वो डबल बोले तो बेंजीन नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा बच्चों? ठीक है, तो ये अपना मूलक टॉपिक हो जाता है बच्चों। अब आइए बच्चों नामकरण, नामकरण कौन सा, अभी जस्ट पीछे भी अपन नामकरण ही सीख रहे, वो बच्चों मूलक पढ़ रहे थे। मूलक अपने आप में क्या है, जो अणु है उन अणुओं के अंदर एक नाम करने का एक अंदाज, अणुओं के अंदर अपन कहें तो उसमें एक छोटे हिस्से का नाम, जबकि अब अपन पूरे अणु की बात कर रहे हैं, अणु की भी सामान्य पद्धति की बात कर रहे हैं, और सामान्य पद्धति में देखो यहां तक मैंने रेडिकल पूरा कर दिया है, अब अपन सामान्य और व्युत्पन्न दो पद्धतियों की बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में अपन आईयूपीएसी लेंगे। बट सामान्य व्युत्पन्न के अंदर भी देखो क्या है, सामान्य पद्धति जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिसकी बात मैं यहाँ करूंगा, एक तो बच्चों ये एक पैटर्न बताऊंगा, और फिर इसके बाद अपन एक पैटर्न ये पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर देख लो बच्चों, पहले पैटर्न में, पहले नामकरण के सूत्र में हम उन अणुओं को शामिल करेंगे जिनके अंदर इस तरह कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, और जो इसके बाद वाला आएगा, ये वाली पद्धति जो आएगी, इसमें हम शामिल करेंगे किनको, जिसके अंदर ये बिना कार्बन वाले ग्रुप होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कीटोन लिखा पड़ा है, अपवाद है बच्चों, क्यों, क्योंकि जब हम कार्बन वालों का नाम करेंगे ना, ये पद्धति कार्बन वालों के लिए सामान्य पद्धति काम में लेंगे, जिसका ये नामकरण का सूत्र लिखा पड़ा है, ये वाला जो सूत्र नाम का लिखा पड़ा है उसमें सारे कार्बन वाले आ गए, अमल आ गया, एस्टर आ गया, अमाइड, एनहाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सब आ गए, पर कीटोन नहीं आया, क्योंकि कीटोन के अलावा पहले कह दिया। तो यहां जब तुम कीटोनों का नाम नहीं करोगे तो भाई अगली पद्धति में तो करो, क्योंकि दो ही अपने पास सिस्टम है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नाम, एल्केन एल्कीन एल्काइन का नहीं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नाम, जिसको दो सीरीज में बांटा गया, दो सूत्र दिए गए, एक सूत्र ये है, एक आगे पढ़ेंगे, पहले इस सूत्र पे बात करते हैं कि अगर आपके अणु में इस अंदाज के ग्रुप, कौन से ग्रुप, कार्बन वाले, तो बच्चों एक तो आपका सूत्र की मांग है कि आप क्रियात्मक समूह का अनुलगन याद करो, क्रियात्मक समूह का नाम याद करो, क्या नाम है, इस टेबल में है कि इसको क्या कहते हैं, इक, इसको क्या कहते हैं, इक एनहाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं, एट एल्किल एट, ये बताऊंगा एल्किल क्या है, इसको क्या कहते हैं, इल हैलाइड, इसको क्या कहते हैं, ओ नाइट्राइल, इसको क्या कहते हैं, ओ आइसोनाइट्राइल, इसको क्या कहते हैं, एमाइड, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ये आया बच्चों अपने पास क्रियात्मक समूहों के नाम में अनुलगन, कब, जब सामान्य पद्धति। अब मैं यहां एक तुलना की बात करना चाहूंगा बच्चों, अगर ये जो ग्रुप शुरू वाले मेरे पास चार है, इनका आप आईयूपीएसी अनुलगन आपको याद है, तो बच्चों इसी ग्रुप को आईयूपीएसी में ओइक कहा था, आपने कह दिया, इसी ग्रुप को एसिड एनहाइड्राइड को ओइक एनहाइड्राइड कहा था, इक कह दिया, इसके लिए ओएट आता था, एट आ गया, ओएल हैलाइड आता था, इल हैलाइड आ गया, तो ट्रिक क्या बनी, आईयूपीएसी के नाम में अगर अनुलगन में ओ आ रहा है तो ओ छोड़ दीजिए। और यहां पे देखो बच्चों ये जो क्रियात्मक समूह है आपके दो, ओ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, अगर आप आईयूपीएसी में जाएं तो इसको नाइट्राइल बुलाते, इसको आइसोनाइट्राइल बुलाते, लेकिन वहां पे इसमें ओ लगा दिए, तो ओवरऑल नियम वही, अगर आईयूपीएसी के अनुलग्नों में क्या है, ओ है तो उड़ा दो, सामान्य पद्धति पे आते ही, और जिसमें नहीं है वहां ओ लगा दो, लेकिन इन दोनों का विशेष ख्याल रखना। एमाइड का अनुलग्न आईयूपीएसी में भी एमाइड जाएगा, यहां भी एमाइड आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का अनुलगन, यहां एल्डिहाइड चलेगा पर आईयूपीएसी में जब जाओगे सिर्फ एल चलेगा, एल ए एल बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों एक तो आपको ये तैयारी करनी है, और इसके बाद अगर मैं कहूं तो
इसके बाद अपन कहें दूसरी चीज आपको जो देखनी है वो क्या, दूसरा बच्चों आपको ये देखना है कार्बन के आधार पर यौगिक का मूल शब्द। कार्बन एक है तो फोम कह दो, दो है तो असेट कह दो, तीन है तो प्रोपियोन कह दो। गिनती अलग है, एक गिनती होती है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, वो गिनती नहीं चलेगी यहां पे, यहां यूनिक गिनती है, एक कार्बन को फोम, दो को असेट, तीन को प्रोपियोन, और तीन में ही एक और स्थिति है, तीन के साथ द्वितीय कार्बन पर द्विबंध हो तो एक्रिल, तो तीन वाले पे जाने पे अलर्ट हो जाना। तीन के लिए बच्चों आपको दो शब्दों का ऑप्शन दिया गया है, अभी उदाहरण से समझा दूंगा ये बात। और अगर चार कार्बन हो तो ब्यूटायर, और चार के अंदर द्वितीय कार्बन पर द्विबंध हो तो क्रोटोन। जैसे तीन में दो ऑप्शन है, वैसे चार में तो दो नहीं, दो से भी ज्यादा है, क्योंकि तो कभी ब्यूटायर भी लिखो ना, ये सोच के लिखना कि एन ब्यूटायर के आइसोब्यूटायर, सीधी चैन वाला होगा तो एन ब्यूटायर, चैन में दो नंबर पे अगर मैथिल पड़ा होगा, सिगिन पे अगर मैथिल पड़ा होगा तो आइसोब्यूटायर। पांच कार्बन अगर होंगे बेटा तो आपको लगाना है वेलर, लेकिन उसमें तीन ऑप्शन लेके चलने हैं, एन वेलर, आइसो वेलर, नियो वेलर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सामान्य पद्धति में, वो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जिनमें ऐसे वाले क्रियात्मक समूह, कार्बन वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, उनका नाम करने का बिल्कुल सिंपल सी परंपरा है। एक तो बच्चों गिनती याद करो, और गिनती के बाद आप अनुलग्न याद करो, दोनों को जोड़ दो, नाम हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने बच्चों आपके सामने ये लिखा, ये मेरे सामने पूर्ण एक अणु आ गया। एक पूर्ण अणु आ गया तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि अणु में कार्बन कितना है, तो मैंने लिख दिया एक कार्बन के लिए फॉर्म, क्योंकि मुझे सिखाया गया एक को फॉर्म कहना है। और फिर CHO के लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहां क्या रिवाज है, एल्डिहाइड लिखने का रिवाज, क्योंकि तो सूत्र में दो ही चीजें भाई, आप कार्बन की गिनती लिख दो और क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं ये लिख दो, वो अगली टेबल में वो पड़ा है, और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे से नाम अपना इस पे तैयार होता है, बस दो हिस्से हैं, जोड़ते रहो नाम बनता जाएगा। चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, इसकी उदाहरण है हमारे पास, ये देख, ये वही पहला अणु फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें नाम लिखें, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बच्चों, दो, दो के लिए क्या कहा था असेट। COCl को क्या कहते हैं, टेबल में देखोगे तो इल क्लोराइड, इल हैलाइड लिखा हुआ है, क्योंकि हैलोजन में अपने पास ऑप्शन होते हैं क्लोरो ब्रोमो, तो यहां पे आप लगा लो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब आप यहां गए, कितने कार्बन नजर आए, तीन, तीन में बच्चों ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, हमने उदाहरण ऐसे ही सेट किए कि दोनों बातें स्पष्ट करते चले। तीन कार्बन को बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं प्रोपियोन, CHO को मैं लिख रहा हूं एल्डिहाइड, दो चीजें हैं जोड़ दी। यहां पे बच्चों मैं तीन कार्बन को लिख रहा हूं एक्रिल। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, वहां तीन में प्रोपियोन, यहां तीन में एक्रिल, तो बच्चों ये गिनती थी, अपन ने जस्ट पीछे देखो यहां पड़ा है, तीन के लिए प्रोपियोन भी शब्द है, तीन के लिए ही आपके पास एक्रिल भी शब्द है, पर एक्रिल कब है उसकी वजह मैंने आपको बता दी। एक्रिल कब लेना है आपको, एक्रिल कब लेना है जब सेकंड कार्बन के द्वितीय कार्बन पे द्विबंध हो। ठीक है बेटा जी, तो आइए बेटा नेक्स्ट अपन उसी उदाहरण पे आते हैं वापस। ये मैंने इसके लिए एक्रिल क्यों लिखा, क्रियात्मक समूह से देखो सेकंड नंबर पे डबल पड़ा है, तो ये अंतर करते चलना प्रोपियोन एक्रिल का, और CN के लिए क्या लिखना होता है, ओ नाइट्राइड। फिर आए बच्चों यहां, इस वाले में क्या है, थोड़ी डिटेल लिख दूं, CH3 दो है, ये लो एक कार्बन के ऊपर दो जुड़े हुए हैं और उसके अंदर NC जुड़ा हुआ है, कुल मिला के कार्बन हो गए चार। कई लोग कहेंगे ये N पढ़ा रहे ना, क्रियात्मक समूह का टोटल चार का पैकेज है, चार के लिए बच्चों शब्द चलता है ब्यूटायर, और ब्यूटायर में दो ऑप्शन चलते हैं एक आइसो और एक नॉर्मल, तो यहां पे मैं बच्चों लेने जा रहा हूं आइसो, क्योंकि चैन सीधी स्ट्रेट नहीं है, शाखा में मैथिल पड़ा है तो आइसो मुझे लिखना जरूरी है, तो आइसो ब्यूटायर, और NC के लिए ओ आइसो नाइट्राइल किया जाए NC। चलो फिर अपन यहां आते हैं बच्चों, चार ही हैं बस कुछ नहीं, स्ट्रेट पड़े हैं तो N ब्यूटायर, और इसके लिए क्या आ जाएगा, एक कैसे N ब्यूटायर एक ऐसे। बच्चों कहीं दिक्कत नहीं आनी, बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास होने चाहिए, शब्द आपके पास होने चाहिए, गिनती होनी चाहिए, अनुलग्न होना चाहिए, जोड़ते जाओ। यहां पे अब एक और बात,
चार कार्बन में बच्चों आइसो और नॉर्मल ब्यूटायर दोनों देख ली, तो चार पे भी बच्चों एक्रिल वाली सी एक बात होती है, क्रियात्मक समूह से चल के दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ा हो तो ब्यूटायर का इस्तेमाल नहीं होता, किसका इस्तेमाल होता है? क्रोटोन का होता है। और आगे CHO के लिए क्या लिख दें? एल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? तो ये थी अपनी प्रैक्टिस शीट जिसमें अपन ने थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी कर लिया। आगे आइए बच्चों, और उदाहरण पढ़े हैं। ये पढ़ा बच्चों कितने का? पांच का। पांच का बिल्कुल स्टेट पढ़ा है, तो पांच को वेलर कहा, तो एन वेलर। और अमल के लिए क्या चलता है? एक एसिड, वो लगा दीजिए। अब यहां आओ बच्चों, ये वाला अपन कहें थोड़ा डिटेल लिखनी है तो ऐसे लिख लो, एक कार्बन, ये दोनों CH3 कहां है? एक कार्बन पे। अच्छा यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, तीन अजटिक, ये वाले दोनों इसी पे ऐड कर लो बच्चों, तो ये इस पे आ गए, और यहाँ पे अपन कहें ये अणु, कोई फर्क नहीं है, वो भी वेलर ये भी वेलर, क्योंकि कुल कार्बन पांच है, पर अगर आप इस चैन में देखते तो ये मेथिल आ रहा है बच्चों लास्ट से पहले, तो बोले तो यहाँ क्या लिख लो? आइसो वेलर। और इसके लिए वही अपना एक कैसे ग्रुप का नाम वही रहता है। अब यहां अपन आए तो यहां थोड़ा सा बच्चों, जब आप एमाइड की बातें करें, जब आप एनहाइड्राइड की बातें करें, जब आप एस्टर की बात करें, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इससे ऊपर के उदाहरण में बात बिल्कुल सरल थी, गिनती और एक उसका अनुलग्न, दो चीजें जुड़नी थी। वैसा आपको यहां भी करना है, जैसे ये दे दिया तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो वैसा ही है। दो कार्बन के लिए आपको लिखना है एसेट, और NH2 के लिए लिखना है एमाइड। पर ये अगला जो एमाइड आपके सामने आ रहा है ना, CONH वाला, ये दो डिग्री एमाइड है, क्योंकि आपने एमाइने कितनी सीखी? तीन। तो एमाइड भी तीन होते हैं, क्योंकि कीटोनिक समूह के साथ NH2 आता है तो उसे एक डिग्री एमाइड कहते हैं, CO के साथ अगर N आता है तो उसे दो डिग्री कहते हैं, और CO के साथ अगर ये NH आया तो दो डिग्री, और N आया तो इसे क्या कहते हैं? तीन डिग्री एमाइड। जब इस तरह का अणु आपके सामने हो, जैसे ये पड़ा है, तो यहां बच्चों एक गलती ये होती है कि अपन ये दो और एक तीसरा, ये तीनों कार्बन लपेट लेते हैं और बोल देते हैं प्रोपियोन। ये गलती है बच्चों, ऐसा नहीं करना है। यहां पे आपको गिनती सिर्फ इधर इधर लेनी है। ये जो कार्बन बच गया ना बच्चों, इसका नाम एक मूलक की तरह होगा। CH3 मूलक को आपने क्या बोला था? मिथाइल, मेथेन से बना मिथाइल। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एन पे मिथाइल, और फिर दो कार्बन के लिए असेट अमाइड, एन मिथाइल असेट अमाइड, ये नाम आएगा दो कार्बन का, असेट और फिर अमाइड। अब अगले में गए बच्चों, वो है तो असेट अमाइड ही, पर उसके अंदर कितने मेथिल लगे पड़े? दो, क्योंकि ये वाली इस पोजीशन आ गई बच्चों, एक मेथिल यहां एक यहां, इसमें तो एक ही लगा था, अब दो लगा दिए, दो लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखो? एन एन डाइमेथिल, आगे वही एसेटामाइड। चलो ये तो बात हुई बच्चों इनकी। अब आइए किसमें? एसिड एनहाइड्राइड, इसका नाम लिखने का भी एक अपना तरीका है। इन उदाहरण में आपने देखा कि आपका जो एन की साइड जो श्रृंखला आती है उसको मूलक का नाम देते हैं। याद रहे, गलती मत कर देना, मूलक के नाम में भी गलती कर सकते हो। एक कार्बन को देख के फॉर्मिल बोलने का मन कर जाएगा आपका, एन फॉर्मिल, क्योंकि एक को फॉर्म भी कहते हैं। पर बच्चों वो इधर वाले के लिए, जो आपकी मेन चैन यहाँ पे अणु की पड़ी है, ये जो मूलक वाला हिस्सा पड़ा है उसका ध्यान रखना। चलो और देखें बेटा, और यहाँ पे आपके पास ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, थोड़ा डिटेल में लिखूं इसे, CH3 है, CO है, O है, CO है, CH3। नाम बनाने की परंपरा है इसमें बच्चों, जो पूरी कार्बन चैन है वो दो हिस्सों में टूटी हुई है, आप उसको इस बीच वाले ओ से डिवाइड करो। अगर आपको दोनों तरफ एक जैसी दिखती है तो किसी एक हिस्से को पकड़ लो कि एक हिस्से में दो कार्बन है तो एसेट ले लिया और आगे लगा दिया एक एनहाइड्राइड। ये बच्चों नाम हो गया आपके इस अणु का। विशेषता समझ में आई? दो हिस्सों में चैन थी तो हमने एक हिस्से का नाम लिखा, पर यह शर्त कब लागू है? जब दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर ना हो, जैसे मान लो उदाहरण ऐसा होता था, CH3, CO, O, COH, आपने अगर इसे अलग किया, इधर दो कार्बन एसेट, इधर एक कार्बन फॉर्म, दोनों मिक्स नहीं होने, पहले भी नहीं हुए थे, एक हिस्सा ही लिया था, दूसरा लिया ही नहीं था। अब यहां पे दो हिस्से हैं तो दोनों को लेना है, वर्ण क्रम से लेना है,
पहले ये लो दो कार्बन वाला एसेट एक, बस इतना ही छोड़ दो। अब एक ये वाला हिस्सा उठाओ फॉर्म, फिर उसके बाद एक एनहाइड्राइड, ऐसे नाम बनेगा। अब बच्चों आपके मन में ख्याल आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ये जो एनहाइड्राइड होते हैं वो अम्लों की उत्पत्ति होते हैं, अम्ल बनाते हैं इनको, तो हम इनके नामों में उस अम्ल को फील करना चाहते हैं कौन इन्हें बना गया। जैसे मैं इसकी उत्पत्ति पे चलूं तो बच्चों एक्चुअल में क्या है, ऐसा एक अम्ल ले लो, बिल्कुल ऐसे ही एक अम्ल ऐसा ले लो, दोनों के बीच एक निर्जलीकरण करा दो और ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको बनाते वक्त कौन आया था, एसिडिक अम्ल आया था, तो आपने क्या लिखा एसिडिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब ही निर्जलीकरण है, जबकि उसे बनाने कितने अमल आएंगे दो, दो प्रकार के, दो तो यहां भी आए, दो प्रकार के आएंगे, कैसे दो प्रकार के, ये लो बच्चों यहां पे आप ये ले लो, एक एसिडिक अमल ले लो एक फॉर्मिक अमल ले लो, ये दोनों मिलके तुम्हें ये देने वाले हैं, दोनों देने वाले हैं, तो बच्चों उसके नाम में ये झलक आनी चाहिए कौन बना गया उसे, एक एसिडिक और एक फॉर्मिक। हाँ ये नहीं है कि इधर लेफ्ट वाले को मैं पहले लिखता हूं, मैं तो वर्णक्रम देख रहा हूं, एसेट का ए मुझे फॉर्म के एफ से बढ़िया लगा इसलिए मैंने उसे आगे लगा दिया। ओके बच्चों समझ आया होगा, चलो और देखिए इसके बाद। अब ये रहा बच्चों एस्टर अणु, ये भी बिल्कुल अमाइड की तरह है, अमाइड की तरह कैसे, जैसे अमाइड में यहां नाइट्रोजन के ऊपर कुछ लग रहा था, यहां इन्होंने आर लगा दिया, आर बोले तो रेडिकल, तो ये बच्चों उस चेन का पार्ट नहीं है, वो चेन तो क्या है तीन कार्बन की प्रोपियोन है, तीन कार्बन दिख रहे, इसका कोई कार्बन इसमें नहीं आया, प्रोपियोन और एस्टर का अनुलग्न लग गया एट, लेकिन इस आर के लिए आपको क्या लिखना है एल्काइल, मिथाइल होता तो मिथाइल लिख देना, इथाइल होता तो इथाइल लिख देना, फिनाइल हो तो फिनाइल लिख देना, आर के जितने भी ऑप्शन है कोई भी हो सकता है। और एक खास बात, अगर एमाइड से तुलना ही कर रहे हो तो ये तुलना याद रखना, इसमें कहीं कुछ आगे एन या ओ कुछ नहीं लिखना है, वो एमाइड कोई सुविधा है, वो वीआईपी ट्रीटमेंट उसके साथ ही है, समझ आई बच्चों बात। तो ये बच्चों यहां तक अपना नेमिंग का एक सिस्टम हुआ, कार्बन वाले क्रियात्मक समूहों की सामान्य नेमिंग बहुत सरल है, सूत्र कहता है दो चीजें याद कर लो, गिनती याद कर लो, अनुलग्न याद कर लो, ट्रिक बता दी, चारों में आईयूपीएसी में ओ था हमने उड़ा दिया, नहीं था हमने लगा दिया, और इन दोनों के अंदर अगर अपन कहें तो इसका तो दोनों में सेम, इसका दोनों में अलग, यूं तैयार करो बच्चों कंपैरिजन करते हुए। और जब इनको तैयार करो तो ये चीज पहले मन बना लो, इसका महत्व अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। इसमें अपने अणु को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, दोनों बराबर मिलते हैं तो एक का नाम करते हैं, इसमें ये ओ की तरफ जो मूलक आता है उसको अलग से बताते हैं, ये देखो यहाँ भी प्रदर्शित है एल्किल के रूप में और बाद में आपके अणु का नाम आता है, और यहाँ पे ये तो एक डिग्री अमाइड ही ड्रॉ कर रखा है, एन के ऊपर अगर ये छट के कोई मूलक आ जाए तो वो एन मिथाइल एन इथाइल करके वर्ण क्रम से आगे जज जाते हैं और बाकी नाम वैसा है। स्पष्ट बच्चों, चलो और देखिए इसके बाद आओ हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नाम ही कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में अब आ गए हम किन पे, जिनमें ऐसे ग्रुप हो प्लस साथ में कीटोन भी, क्योंकि कार्बन वाला कीटोन अपना नाम ना करवा के आया वहां, तो यहां करना पड़ेगा। नाम का सूत्र क्या कहता है, मूलक का नाम लिख देना, उसमें क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ देना, ये तैयारी मैंने पहले करवा दी है, ये वाला बस आप देख लो। OH को अल्कोहल कहते हैं, SH को थायोल्कोहल कहते हैं, इसको हैलाइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं, ये थायो ईथर है, ये कीटोन है, ये नाइट्राइट है, ये वाली सारी एमाइन है, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो एमाइन ही कहना, जैसे अमाइड में भी सम्यक लगा तो एमाइड ही था, तो यहाँ एमाइन। देखो बच्चों एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं, आपके पास जैसे ये अणु पड़ा है तो बच्चों जैसे मैं यहां से शुरू करूं, ये वाला अणु अपन ले लेते हैं, अच्छा इससे पहले ये कुछ अणु जैसे ये पड़ा, तो ये बच्चों अपना क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कौन सा है एमाइन, साथ में मूलक कौन सा पड़ा है, कहां से आया, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो एथेन से बना हुआ एमवीआर है, तो क्या बोल दो एथिल, और फिर आगे क्या लगा दो एमाइन, एथिल एमाइन। इसमें जाओ तो इसमें क्या खास बात है, दो डिग्री एमाइन है, दोनों तरफ मूलक है, दोनों समान है, दो बार मत लिखना, संख्या सूचक शब्द लिख लो,
डाई मिथाइल, और फिर आगे क्या लगा दो, अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन आ जाएगा बच्चों। अब अगर अपन यहां जाएं, ये भी दो डिग्री अमाइन है, इस तरफ एथिल है उधर बेंथिल है, दो मूलक लगे हुए हैं, वर्ण क्रम से जमा दो बच्चों, एक एथिल फिर उसके बाद मेथिल, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, और फिर आगे लिख दीजिए बच्चों एमाइन। अब आगे गए, इसकी थोड़ी सी डिटेल बना ले अगर कोई समझने में दिक्कत हो, CH3 thrice, मतलब एक CH3 है, दूजा भी है, तीजा भी है, सारे एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, और उस पे कौन जुड़ा है, NH2। सारी बातें सीखो बच्चों, उदाहरण इस तरह से लिए हैं कि जैसे इस तरह का कोई अणु आ जाता है तो वहीं दिमाग मत लगाते रहो, थोड़ा डिटेल लिख लो। ये लो, अब इसको तो तुम जानते हो कौन है एमाइन, पड़ोसी कौन है, चार कार्बन का, चार के लिए ब्यूट, ब्यूट के बाद एन मत लगाओ क्योंकि ये वैलेंसी खाली पड़ी है, इसमें तुमने कुछ जोड़ दिया, मूलक फील करो बच्चों, आप एक बार भूल जाओ यहाँ कुछ है। ये लो, अब देखो कौन है, ब्यूट इल है, और ब्यूट इल है तो अब कौन सा ब्यूटिल, ब्यूटिल तो चार बताए थे, एन सेकेंडरी आइसो, कोई नहीं अभी बता पकड़ लेते हैं, यूं चल के गए यहां गए, लास्ट और सेकंड लास्ट पे दो मेथिल है, या तो बोल दो नियो ब्यूटिल, या बच्चों इस तीन डिग्री कार्बन को देख के क्या बोल दो, टर्शरी ब्यूटिल, दोनों ठीक है, ज्यादा ये चलता है टर्शरी ब्यूटिल, और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ था अणु में, NH2, तो क्या लगा लो एमाइन, ये हो जाएगा। अब आई बच्चों इसकी बात, इसमें कहें तो ये बीच वाला कौन है, कीटोन, और दोनों तरफ कौन है, मेथिल, तो अपन को क्या लगा देना है, जैसे डाई मेथिल एमाइन, यहाँ डाई मेथिल कीटोन, और इसके बाद कहें अपन, ये कुछ एग्जांपल देखें, नेक्स्ट पीछे वाले पेज पे भी देखें, जैसे ये था तो ईथर के दोनों तरफ कौन है, एथिल एथिल, तो डाई एथिल ईथर, इस ईथर के दोनों तरफ कौन है, एक तरफ एलिल एक तरफ विनाइल, तो आप इसको लिख लो एलाइल विनाइल, और फिर आगे लिख दो बच्चों ईथर, याद कराया था ना आपको, इंपॉर्टेंट मूलकों में विनाइल याद रखना, एलाइल याद रखना, हालांकि नाम दूसरे तरीके से भी बन जाएगा, एथिनिल प्रोपिनिल, पर जो फेमस है वो जो याद कराया था वो कंफर्म करें अपन। अब जैसे यहाँ आए अपन, तो यहाँ बच्चों देखो आप, यहाँ पे अपन कहें इस OH को छोड़ के बाकी कौन है, विनाइल, तो विनाइल एल्कोहल, इसमें OH को छोड़ के देखें कौन है, CH3 twice, दो CH3 है, एक कार्बन पे लगे हैं, तो बच्चों इस OH को छोड़ के देखूं तो मूलक का नाम क्या है, प्रोपिल, प्रोपिल का कौन सा प्रकार, आइसोप्रोपिल, कैसे पता चल रहा है, यूं जाके मैंने देखा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पे मेथिल पड़ा था तो आइसो लगाया, प्रोप लगाया, इल लगाया, सारी चीजें वो खुद बताएगा बच्चों, आपके पास तो तरीके होने चाहिए, कार्बन तीन है प्रोप आ गया, एक संयोजी है इल आ गया, वो दो तरह का है कौन सा है, खाली संयोजकता से चलते जाओ, लास्ट से लौट के देखो सेकंड लास्ट में मेथिल पड़ा है आइसोप्रोपिल, और OH के लिए क्या आ गया एल्कोहल, ये हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इस OH को हटाऊं तो साथ वाला कौन सा मूलक पड़ा है एलाइल, तैयारी करके आओ बस वही वही सारे उदाहरण रिपीट हो रहे हैं, आप मूलक अच्छे से करे आओ, यहाँ पे आपको आनंद आने लगेगा, दिक्कत ही नहीं आएगी बच्चों। ये मैंने बताया ही था अभी, OH दो थे, दो CH2 के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल था, ठीक बच्चों, और दो OH के लिए क्या चलता है, ग्लाइकोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे भी दे रखा है। चलिए बच्चों अब एक चीज और, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नाम में दो तरह से लिख सकते हैं, देखो वो दो तरह से लिखने के पीछे रीजन क्या है, जैसे ये अणु पड़ा है आपके पास, इसका इसका नामकरण की पद्धति पहले वाली थी, कार्बन वालों की पद्धति क्या थी, सारे कार्बन गिन लो, तीन कार्बन को प्रोपियोन कहते हैं, गिन लिया, CN को O नाइट्राइल कहते हैं, वो भी लिख लिया, तो ये लिखते हो अगर, तो ये तो है बच्चों कौन सी पद्धति जो अभी पहले पढ़ी, सिस्टम वन पढ़ा। अब आप जो पढ़ रहे हो वहां तो नेम होता है किसका, जहां बिना कार्बन वाले हो, पर इसका नाम उस परंपरा से भी हो जाता है, CN को साइनाइड बोल दो और बाकी बचे को मूलक इथाइल बोल दो, इथाइल साइनाइड, तो दोनों पद्धतियों में नाम होता है, साइनाइड का भी आइसोसाइनाइड का भी, दोनों पैटर्न में चलता है, वजह क्योंकि सामान्य पद्धति में रूल बनाने के लिए पहले कोई नियम कायदे कानून नहीं बने, तो इस वजह से कई अणुओं के नाम एक से ज्यादा प्रकार के भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। चलो बच्चों ये हुआ, अब आइए बच्चों हमने यहां तक कॉमन नेमिंग पढ़ी, कॉमन नेमिंग में आप फिर से देख लीजिए क्या क्या पढ़ लिया, कॉमन नेमिंग में हमने
दो तरह की पद्धतियों के बारे में काम किया है, एक वो जिनमें कार्बन के क्रियात्मक समूह हो और दूसरा वो जिनमें बिना कार्बन के। अगर आपके पास कार्बन वाले क्रियात्मक समूह हैं तो आप उन क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न याद कर लो, आप उनके लिए गिनती याद कर लो, जोड़ के नाम हो जाएगा। और उसके अंदर भी अपन कहें तो तरीका आपको बता दिया कि तीन जो ग्रुप स्पेशल थे वो बता दिए, और फिर उसके बाद अपन कहें तो ये वाला पैटर्न जिसमें मूलक के नाम में क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ा, नाम कंप्लीट हो गया, ये तरीका था। और यहाँ पे अगर अपन कहें तो अपने पास अंतिम पद्धति व्युत्पन्न पद्धति, ये लगभग सामान्य पद्धति के पैरेलल ही डेवलप हो गई। तो यहां पे आपको नाम का सूत्र क्या बताया जा रहा है, मूलक के नाम में आप फादर का नाम जोड़ो। इस पद्धति की डिमांड है कि हर अणु के अंदर एक फादर मॉलिक्यूल है और बचा हिस्सा उसका मूलक है। तरीका समझो बच्चों, सूत्र समझ जाया करो, नेमिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये तो बच्चों परिवारों के नाम है, एल्केन परिवार फादर ये है, एल्कीन परिवार फादर ये है, एल्काइन परिवार फादर ये है, एल्कोहल परिवार फादर ये है, एल्डिहाइड परिवार ये वाला, अमल परिवार ये। जनरली एक चीज पे गौर करो, हर परिवार का पहला सदस्य पहला 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 सदस्य फादर है, इन दो परिवारों में दूसरा सदस्य, क्योंकि दुनिया में एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है, दुनिया में एक कार्बन का अमल भी होता है, पर यहाँ पे दूसरे को फादर माना गया है और उन फादर के नाम लिए गए हैं बच्चों। ये भाई नाम भी वही वाले हैं, इसको मेथेन सामान्य पद्धति में कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, तो बच्चों वही चला आ रहा है। ये बड़ा फेमस है बच्चों, इस ये आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, एल्कोहल में कार्बिनॉल, बाकी एसिटैल्डिहाइड एसिटिक अमल, ये दोनों नाम मैंने कहां से लिए, वही अभी सामान्य पद्धति में सीखा था ना, दो को असेट कहते हैं एल्डिहाइड, दो को असेट कहते हैं एक एसिड, तो ये हो गया ठीक। तो ये फादर के नाम याद कर लो, मूलक मैंने सिखा ही रखे हैं। चलो देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं इनकी, देखो क्या था। जैसे मुझे इसका नाम करना है बच्चों, तो मैंने अणु को देखा, मुझे दिया हुआ है व्युत्पन्न नाम, तो सबसे पहले मैंने मेरे अणु में ट्रिपल बॉन्ड को अलग कर लिया, ये उसका फादर अणु है, क्योंकि फादर अणु कौन है, वैसे तो ये दिखाया है, पर बच्चों इसमें मूलक जोड़ने के लिए एच तो हटाना पड़ेगा तभी मूलक आएगा, तो बेटा मैंने एक जगह से खाली करके मूलक जोड़ लिया। कौन सा मूलक है ये, मिथाइल। फादर कौन है, एसिटिलीन, क्योंकि अभी देख लो आप जस्ट पीछे लिखा आपने, इसके फादर का नाम क्या था, एसिटिलीन, बस यूं करना। यहां पे ये एल्कीनो का फादर है, कौन सा फादर, इथाइलीन, ये देख लो बच्चों, ये देखा आपने इथाइलीन, तो आप यहां देखिए इसके बाद ये इथाइलीन पड़ा है, साथ में कौन है, मिथाइल इथाइलीन। और यहां जाएं अपन तो एल्कोहलों का फादर मैंने अभी आपको दिखाया था, कौन से वाला, ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, OH के साथ वाले कार्बन पे आप एक जगह दो जगह तीन जगह खाली करके मूलक जोड़ सकते हो, जैसे इस स्पेसिफिक उदाहरण में इतना तो है अल्कोहलों का फादर, और बाकी मूलक कौन सा, मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। अब जैसे ये वाला पड़ा है इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, एक CH3 है बेटा, दूसरा कार्बन CH पे जुड़ा हुआ है C2H5 और उसके साथ जुड़ा हुआ है OH, ऐसे इसकी संरचना बना लो, इतना हिस्सा बच्चों कार्बिनॉल है और बाकी दोनों मूलक एक एथिल एक मेथिल है, तो वर्ण क्रम से जचा लो, एथिल मेथिल कार्बिनॉल, ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर अपन कहें तो जैसे ये है, तो इतना पोर्शन एल्डिहाइड परिवार का फादर है, एसिटैल्डिहाइड मेथिल एसिटैल्डिहाइड, इतना आपका एसिटैल्डिहाइड है, कितने मेथिल पड़े हैं, तीन मेथिल, तो यहां पे बोल दो मेथिल एसिटैल्डिहाइड, और यहां पे बोल दो ट्राई मेथिल एसिटैल्डिहाइड। अच्छा यहां एसिटैल्डिहाइड, ये हो जाएगा बेटा बिल्कुल ऐसे, ये एसिटैल्डिहाइड कितने वाला, दो मेथिल पड़े, मेथिल एसिटैल्डिहाइड, ट्राई मेथिल एसिटैल्डिहाइड, डाई मेथिल एसिटैल्डिहाइड, तो ये क्या है बच्चों, एसिडिक अमल, और वहां पे मेथिल, मेथिल एसिडिक अमल, ये नाम हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। ये था तरीका व्युत्पन्न नाम का, लेकिन बच्चों यहां पे मैंने एक नाम शुरू से छोड़ रखा है, देखो कैसे, ये पीछे वाली स्लाइड में ये वाला, बाकी अणुओं में बहुत सरल है बच्चों, अगर एल्काइनो का फादर है तो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन, एल्कीनो का फादर है तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, एल्कोहलों का फादर है तो OH वाले के साथ वाला कार्बन, अगर आपको एल्डिहाइड का फादर लेना है तो दो कार्बन ले लो, एक ग्रुप प्लस अगला कार्बन,
पर अगर इस परंपरा से अपन एल्केन पे चलें तो साहब वहां तो कुछ ऐसी पक्की पहचान है ही नहीं। तो इसलिए एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आप पैतृक नाम में कार्बन की वरीयता देख रहे हो तो 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये सिर्फ किसके लिए, ब्रैकेट में लिख लेना, एल्केनो के नाम के लिए। एल्केनो का नाम लिखते समय ये आपको ध्यान रखनी है वरीयता, क्योंकि जो अणु आपके सामने लिखा पड़ा है बच्चों वो इस तरह का अणु है। और इसका नाम करने में एक सबसे बड़ी समस्या है कि फादर कौन है, बाकियों का तो फादर बिल्कुल पहचान में आ जाता है क्रियात्मक समूह के साथ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड OHC, पर यहां पहचान नहीं आती। तो एल्केनो के नाम के वक्त आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि अणु में 4 डिग्री कार्बन हो तो बाकी किसी को फादर नहीं बनने देना, 3 हो तो बाकी को नहीं बनने देना। जैसे मेरे अणु में 3 डिग्री था तो ये था फादर, बाकी बच गए मूलक, 3 मेथिल तो क्या बोल दो, ट्राई मैथिल, और फादर साहब का नाम मैथिल। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपना आज का बच्चों टॉपिक, यहां तक अपन ने आज का अपना जो काम था वो कंप्लीट किया बच्चों। आगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंजॉय करते रहिए, गुरु नीति का वीडियो भी जरूर देखिए बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहां हमने जो प्रैक्टिस कराई है उसका और सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल, अच्छा एक सवाल जो था वो आपका, वो मैंने वैसे पहले डिस्कस कर लिया आपसे, ये सवाल आपका था बच्चों NEET 13 का आया हुआ, किसका, आइसोब्यूटिल की संरचना। तो बस आपसे सिर्फ ब्यूटिल तो आपको दिख ही रहा है, यहां से देखो कौन सा ब्यूटिल दिख रहा है नॉर्मल, यहां से देखो कौन सा दिख रहा है टर्शरी, यूं चल के देखो ये सेकंड लास्ट पे आपका मैथिल, ये आपका क्या था इसका जवाब। और इसमें अपन फंस जाते हैं अगर अपन को सिर्फ इतना ही रट्टा मारा हुआ है कि मैथिल से आइसो लगता है तो वो इसे नहीं कर पा रहा, उसके दो जवाब हो रहे बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल अपना डिस्कस हो ही गया था, तो इसको बच्चों ध्यानपूर्वक करिए, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत लगे ये सवाल आप अपने हिसाब से भी करें, प्लस गुरु नीति का वीडियो भी देखें बेटा। ठीक है, थैंक्स अलॉट बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।